Assalamu alaikum everyone, this is Alina Beg on behalf of Autism Resource Group. I welcome you all. Aaj hamare saath Dr. Sana Majeed hai. She will let us know about the gap style. बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि ऑटिज़म में कौन कौन सी ऐसी डाइट्स है जो एप्लीकेबल होती है, जो उनको करनी चाहिए. और कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिटी में ये चीज़ बहुत फेमस है कि गैप्स डाइट जो होती है, अगर आप करोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. तो आज हम उन मिथ्स को ज़रा ब्रेक करेंगे. इसके अलावा GFCF डाइट के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस होता है. जब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो GFCF डाइट इज़ नॉट द ओनली डाइट. बहुत सारी ऐसी डाइट्स हैं, रीड डाइट्स है, गैप डाइट है, माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड डाइट्स होती है, जिनको इंशाल्लाह हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कैटर करेंगे. आज हम स्टार्ट करेंगे. डॉक्टर सना, प्लीज़ थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन फॉर बींग द फर्स्ट प्रैक्टिशनर इन पाकिस्तान जो कि गैप्स डाइट को कह रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा और यू कैन स्टार्ट ऑन विद योर प्रेजेंटेशन. ओके जी, थैंक यू सो मच अलीना शहीरा एंड ARGP प्लेटफॉर्म. आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर और गैप्स डाइट और लोगों की डिफरेंट क्वेरीज को आंसर कर सकूं. मेरे बारे में इंट्रोडक्शन जो लोग नहीं जानते, बेसिकली आई एम अ मेडिकल डॉक्टर and I am a mother of autistic child who is mashallah going to be 8 years old soon. और मेरा background medicine में ये है कि मैं pediatric resident थी जब मेरे बेटे का diagnosis हुआ. और उसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ काम start किया घर पे. और उसके diagnosis से कुछ अरसा पहले मैं अपनी residency से leave लेकर US जा चुकी थी. और वहाँ पर मैंने बायोमेडिसिन के बारे में पढ़ा था और रिसर्च पेपर्स पढ़े, काफ़ी चीज़ें मैं उसके बारे में जानती थी. पर मुझे आई वाज नॉट श्योर कि एक्चुअली मेरा बेटा भी ऑटिस्टिक ही है. सो जैसे ही हमारा डायग्नोसिस हुआ, मैंने उसके साथ बायोमेडिकल स्ट्रैटेजी स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई. और उसके साथ ही मैंने बायोमेडिसिन को एज अ करियर ऑप्ट कर लिया. और पहले मैंने वॉलेंटरली काफ़ी सारी फैमिलीज़ की हेल्प की रिगार्डिंग नोइंग अबाउट व्हाट इज़ बायोमेडिसिन, हाउ टू यूज़ दैट. उसके बाद फिर मैंने इसे एज अ करियर चूज़ कर लिया. एज अ फंक्शनल आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ. फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स आई एम प्रैक्टिसिंग इन फंक्शनल मेडिसिन एंड फॉर दैट आई हैव गॉट फ्यू सर्टिफिकेशंस फ्रॉम इंटीग्रेटिव मेडिकल अकेडमी फ्रॉम US. And I am Pakistan's and Asia's first gaps diet consultant. And besides that, Great Place Lab US ki official representative bhi hoon Pakistan mein. Alina, share karun main. Ji bilkul Dr. Sana. Okay. ओके, तो गैप्स डाइट बेसिकली स्टैंड फॉर गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम. ठीक है, आप शेयर कर रही हैं यहां पे क्योंकि स्क्रीन पे आ नहीं रही स्लाइड. अब देखिए आपके पास आ रहा है? नहीं अभी तक नहीं आ रहा. डॉक्टर सना, आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा दोबारा से. जी जी, अब हो रही है? नहीं अभी तक नहीं. ओके, लेट मी चेक. अच्छा देखिए, मैंने ओके जी, अब बताइएगा. हाँ जी बिल्कुल, ठीक है. हाँ जी, आप अपनी स्लाइड को मैक्सिमाइज कर लीजिए. ओके ठीक है. जी जी ठीक है. ओके, तो गैप्स डाइट बेसिकली स्टैंड फॉर गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम. गैप्स डाइट इन्वेंट की है डॉक्टर नताशा कैंपल मैकब्राइड ने. डॉक्टर नताशा ग्रेजुएटेड है 1984 में रशिया से. शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर. अपनी ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर नताशा ने न्यूरोलॉजी में अपना मास्टर्स किया और इन्होंने एज अ न्यूरोलॉजिस्ट 5 years एंड देन फॉर 3 years एज अ न्यूरोसर्जन इन्होंने काम किया.
इसके बाद इनके अपने बेटे का डायग्नोसिस हुआ जो कि जो जो कि ऑटिस्टिक था, और उन्होंने अपनी न्यूरोलॉजी बेस्ड जो बैकग्राउंड था उसको कंबाइन किया न्यूट्रिशन के साथ, और उन्होंने नोट डाउन किया, नोटिस किया कि ब्रेन का कनेक्शन है न्यूट्रिशन के साथ, और वही स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपने बेटे के लिए इम्प्लीमेंट की। 2004 में इन्होंने अपनी एक फर्स्ट बुक गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम पब्लिश की, जिसमें बेसिकली ऑटिज्म, एडीएचडी और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की नेचुरल ट्रीटमेंट थी। इसके बाद इनकी और बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं जिसमें गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम भी है और पुट योर हार्ट इन योर माउथ, ये इनकी बुक है। इसके अलावा वेजिटेरियनिज्म पर भी इनकी बुक है, और इसके अलावा ये टीचिंग भी कर रही हैं और मजीद रिसर्च पेपर्स और बुक्स की राइटर हैं राइट नाउ। तो ये डॉक्टर नताशा का इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इसमें मैं अलीना एक बात आपको बता चलूँ, मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पर इंग्लिश में है, पर मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं इसे जितनी इजी वर्ड्स में हो सके और उर्दू में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जो हमारी एक मेजर कम्युनिटी का ग्रुप है जो जिनको बिल्कुल भी अवेयरनेस और नॉलेज नहीं है कि डाइट्स को किस तरह यूज़ करना चाहिए, स्पेशली गैप्स डाइट के बारे में, तो उनको इजी वर्ड्स में रहे। बाकी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज और एक्सप्लेनेशन सारी प्रेजेंटेशन में मौजूद है, ठीक है? Absolutely. Thank you very much. ओके, सो गैप्स डाइट है क्या? गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम। गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा। इस सिंड्रोम में होता क्या है, और फिर उसके लिए हम बात करेंगे कि हम गैप्स डाइट का क्या रोल है। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ कि बेसिकली गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम की जो भी बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड ऑटिज्म या और भी जितने न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिसमें आपकी गट डैमेज या हम ब्रेन डैमेज की बात करते हैं, तो दिस इज़ द कॉमन सिनेरियो। यही बैकग्राउंड रीजंस हैं जिनकी वजह से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ओरिजिनेट हो रही होती हैं। अच्छा, ये मैं आपको बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, ठीक है? प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आज आज जो हम बात कर रहे हैं वो डॉक्टर नताशा कैम्बल और उनके प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है, तो हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हों जो कि किसी और स्पेसिफिक डाइट प्लान से मैच ना करती हों या किसी और डॉक्टर के प्लान से मैच ना करती हों, ठीक है? तो उसके लिए हम इन हमारा वो इन जो है जो भी किसी और डॉक्टर के प्लान्स या जो भी उनकी थॉट्स हैं वो इसमें हमारी कंबाइन नहीं होनी चाहिए, और जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी आइडिया ये बात पहले से समझ आ जाए कि हम एक स्पेसिफिक डाइट प्लान और एक डॉक्टर के प्लान्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो जो उनके हिसाब से बेहतर है, ठीक। सो व्हाट इज गैप्स? बेसिकली दिस इज योर एबनॉर्मल गट फ्लोरा, ठीक है? गट फ्लोरा क्या है? हमारी जिस्म में गुड और बैड बैक्टीरिया, दो किस्म के बैक्टीरिया हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। इसका एक बैलेंस होता है। गुड बैक्टीरिया ऐसे चीज़ें बनाता है, ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए, हमारी जो कुछ हम गिज़ा खाते हैं उसे सही तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए, एंजाइम्स प्रोडक्शन के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली बैड बैक्टीरिया मौजूद होता है, पर अगर आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में गुड बैक्टीरिया है तो बैड बैक्टीरिया आपको अटैक नहीं करता, तो हमें गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत हमेशा रहती है। अब आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया इफेक्टेड हुआ कुछ रीजंस की वजह से जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो गुड बैक्टीरिया कम हो गया, डिसबैलेंस हो गया, अब आपका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, जो कुछ आपने खाना पीना है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो डाइजेशन इम्प्रॉपर होगी तो आपकी एब्जॉर्प्शन इफेक्टेड होगी, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, ठीक है? अब गट डैमेज है, आपका गुड बैक्टीरिया वहां नहीं मौजूद, वो आपकी बॉडी की डिफेंस, आपकी गट की डिफेंस नहीं कर रहा, तो आपकी जो गट लाइनिंग है, म्यूकोजा है, वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, और गट लाइनिंग डैमेज होने के बाद आपको डिफरेंट फूड एलर्जीज डिवेलप हो जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल काउ मिल्क प्रोटीन्स की या फिर ग्लूटिन की। अब यहाँ पे इस डैमेज्ड गट वॉल पे बैड बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देते हैं, वो बैड बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? अब ये टॉक्सिन्स आपकी पूरी बॉडी में फैलते हैं, आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं, आपके ब्रेन को इफेक्ट करते हैं तो आपको न्यूरोसाइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और उसके बाद अगर ये आपकी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और जिस जिस सिस्टम को ये इफेक्ट करते हैं वहां से आपकी ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके ज्वाइंट्स को इफेक्ट कर सकते हैं, या आपके हार्ट को इफेक्ट कर सकते हैं, या आपके ब्लड सेल्स को इफेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, हार्मोनल सिस्टम को कर सकते हैं. सो अगर इस कंडीशन में सिर्फ आपका ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है तो इसे हम गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम कहते हैं, और अगर आपकी सारी बॉडी अफेक्टेड है तो इसे हम गट एंड फिजियोलॉजी सिंड्रोम कहते हैं. तो ये दोनों सिंड्रोम ओवरलैपिंग होते हैं एक बच्चे में या किसी भी एडल्ट में जो कि गैप्स चाइल्ड या गैप्स एडल्ट है, उसमें न्यूरोलॉजी और बाकी ब्रेन सिस्टम्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं. सो इंडिकेशंस क्या हैं, बच्चों में क्या हो रहा होता है? बच्चों में ऑटिज्म, एडीएचडी या एड डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया और इसके अलावा लर्निंग या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. एडल्ट्स में क्या इंडिकेशंस होती हैं? ड्रग अब्यूज, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ओसीडी, मैनिक डिप्रेशन, स्किजोफ्रेनिया है, एपिलेप्सी है. अब एक बच्चे में अगर हम टिपिकल सिनेरियो देखें कि बच्चे में, और अगर वो ऑटिस्टिक चाइल्ड है या किसी भी तरह से डेवलपमेंटल डिलेड चाइल्ड है, तो उसमें क्या हुआ एक सिनेरियो, एक जस्ट फॉर जस्ट एन एग्जांपल, मदर है जिसकी गट डिसबायोसिस था. क्या रीजंस थी? मदर को प्रेगनेंसी में एंटीबायोटिक्स मिली, वैक्सीन्स मिली, या मदर स्ट्रेस में थी, या मदर की अपनी गट हेल्थ ऑलरेडी इतनी अच्छी नहीं थी. अब ये जो बेबी बॉर्न होगा, ठीक है, उसका गट फ्लोरा भी नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि वो मदर से भी एक डिसबैलेंस गट फ्लोरा लेके पैदा हुआ. उसके बाद इस बच्चे का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, और इस बच्चे को हम और वैक्सीनेशंस दे रहे हैं और एंटीबायोटिक्स बर्थ पर मिल रही होती हैं, तो इसका मजीद गट फ्लोरा डैमेज हुआ. अब इसे कुछ महीने के बाद ईयर इन्फेक्शंस हो जाएंगे या कोली की एब्डोमिनल पेन्स या चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाएंगे, और उसके लिए फिर से हम उसे एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, और ये सब मिलने के बाद फिर उसकी वहाँ पे फूड एलर्जी से स्टार्ट हो जाएंगी. अब हम उस बच्चे को 6 मंथ्स पे वीनिंग स्टार्ट करेंगे, हम उसे गंदम देना शुरू करेंगे, दलिया देना शुरू करेंगे, वो चीज़ें बजाय इसके कि उसको हेल्प करेंगी ग्रो करने में या उसकी डिवेलपमेंट में, वो और ज़्यादा उसे डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी. तो अब बच्चे को या तो कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, या फिर फ्लक्चुएटिंग कॉन्स्टिपेशन डायरिया, डायपर रैशेज, एक्जिमा, इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे, एस्थमा डेवलप हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक स्किन कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, और उसके बाद तो ये बेसिकली सारा कुछ आपकी गट पे बेस्ड है. अब यही ये कंडीशंस, ये सब कुछ बच्चे में हो रहा होगा, और जो उसने माइलस्टोन्स अपने अचीव करना स्टार्ट करने थे, या तो वो स्लोली करेगा, या वो बिल्कुल छोड़ देगा, या वो आहिस्ता टाइम के साथ साथ उतनी स्पीडीली नहीं कर सकेगा चीज़ें, अपने माइलस्टोन्स अचीव जो कि उसे करने चाहिए थे. और यही सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती जाएंगी, 1-1.5 साल के बाद और वैक्सीनेशंस मिलती जाएंगी, और कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स हो जाएंगे, फिर स्क्रीन टाइम इंड्यूस हो जाएगा, तो ये फर्दर डैमेज होता चला जाएगा, और देन ये फाइनली बच्चा जब अपने एक फुल ब्लोन सिम्टम्स शो करेगा किसी ऑटिज्म के, एडीएचडी के, तो ही वुड बी फुल ऑफ टॉक्सिन्स, हिज बॉडी वुड बी हैविंग डिसबैलेंस्ड माइक्रोब्स. तो ये एक बच्चे का सिनेरियो है. सॉरी. अब एक एडल्ट में, यही एडल्ट में एबनॉर्मल गट फ्लोरा है, मे बी फ्रॉम बर्थ या फिर डैमेज लेटर इन लाइफ. एडल्ट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लैक ऑफ एनर्जी, एलर्जीज, एस्थमा अगेन, क्रॉनिक सिस्टाइटिस है, ओरल थ्रश है. फीमेल्स में प्री मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज हैं, जिसे PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. इनफर्टिलिटी है, हेडेक्स हैं, पुअर मेमोरी है, पुअर स्लीप है, डिमेंशिया है, डर्माटाइटिस है, लॉस ऑफ हेयर है, एनीमिया, इनएबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, डिप्रेशन, ये सारे वो साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एडल्ट की हिस्ट्री में मिलते हैं. तो अब एक सवाल होता है पेरेंट्स का कि बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ऑटिज्म जो है वो गट से रिलेटेड है, या ऑटिज्म कैसे डेवलप हुआ. तो गैप्स और ऑटिज्म का रिलेशनशिप ये है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया कुछ. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नताशा गैप्स, ऑटिज्म इज एसेंशियली अ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर विद रेयर एक्सेप्शंस. जो मेजॉरिटी बच्चे हमारे पास हैं, उन दे हैव नॉर्मल ब्रेन्स, उनके ब्रेन में कोई डिफेक्ट नहीं होता, बट जो इनके फर्स्ट इनिशियल 2 ईयर्स हैं लाइफ के, उसमें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टेड हो जाता है. अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसने बच्चे को नरिशमेंट देनी थी, वो उसका मेजर सोर्स बन जाता है टॉक्सिसिटी का.
ठीक है, बहुत से डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके ब्लड में, आपके आपके ब्रेन में जाते हैं, फॉग, ब्रेन फॉग क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर बच्चे का ब्रेन क्लॉग्ड है टॉक्सिसिटी से, तो वो नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकेगा। वो जो उसका टाइम था जिसमें उसने लर्न करना था, वो लर्न नहीं कर सकेगा। और वो इन्फॉर्मेशन जो वो अपनी एनवायरनमेंट से अपनी लर्निंग के लिए लेना चाहता है, वो सब चेंज बदल बदल कर उसके लिए नॉइस क्रिएट करेंगी, उसको उसको खौफजदा करेंगी। समटाइम्स कभी वो हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, या हो सकता है कि वो फिर डिप्रेस हो जाए। सो इस नॉइस की वजह से ये सब कुछ जो उसके ब्रेन में हो रहा होता है, वो न्यू इन्फॉर्मेशन बच्चा लर्न नहीं कर सक रहा होता। और ये पहले 2 साल बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, नॉर्मल बिहेवियर अटेन करने के लिए, जो कि एक ऑटिस्टिक बच्चा नहीं कर पा रहा होता। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे टर्न कर जाता है, सोर्स ऑफ टॉक्सिसिटी कैसे बन जाता है? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का जो नॉर्मल गट फ्लोरा है वो डेवलप नहीं हो सका, या डेवलप था और अब डैमेज हो चुका है। अब ये गट फ्लोरा ना होने की वजह से, जो मैंने बैकग्राउंड पहले भी सारा बताया कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, और आपकी अपनी गट में बैड बैक्टीरिया टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। कोलिकी एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाते हैं बच्चों को, ब्लोटेड भी होते हैं, रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। मेजॉरिटी बच्चों में जो ऑटिस्टिक हैं, सब में नहीं होता ऐसा, कुछ में ये सब चीज़ें सिर्फ बिहेवियर्स में भी आ रही होती है, वो बिहेवियर जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए। मैल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, मल्टीपल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आ जाती हैं, मे बी बच्चा वेट गेन नहीं कर रहा होता प्रॉपरली। और जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, देन वो जो जो जौन जौन से विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसीज होती हैं, वही साइन एंड सिम्टम्स आपकी स्किन और बॉडी पे डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। सो आपका गट फ्लोरा बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को प्रॉपरली चलाने के लिए। अब डैमेज गट फ्लोरा है, एलर्जीज डिवेलप हुई, ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई, उसके नतीजे में बच्चे को डिफरेंट इन्फेक्शन शुरू हो गए, उसके नतीजे में आपको बार बार एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ गई, और बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो मजीद जो है वो वक्त के साथ साथ और ज़्यादा वीक होना शुरू हो गया। और जितनी आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, जितनी बार एंटीबायोटिक कोर्सेस आपने देने हैं, उतना ज़्यादा गट फ्लोरा डैमेज हो जाएगा, और वहाँ पे फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली आपकी बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, फिर वहाँ पे वायरसेस ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, साइलेंट वायरल इन्फेक्शन, आपको कैंडिडा यीस्ट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इसीलिए बायोमेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, ऑटिज्म एक एपिडेमिक्स की तरह डेवलप हो रहा है, और उसकी रीज़न यही है कि हमारी अपनी एनवायरनमेंट में, हमारे डेली इनटेक में, हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अब हम किस तरह रिवर्ट कर सकते हैं गैप्स सिम्टम्स को एक ऑटिस्टिक चाइल्ड में, किस तरह रिवर्ट किया जा सकता है? सो नंबर वन इज़ कि आप जो टॉक्सिन्स हैं जो कि ब्रेन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको कंट्रोल करें। और वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आ रहे हैं। सो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्रीट करें। सेकेंड, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम में डैमेज हो चुका है, उस डैमेज को आपने रिपेयर करना है, ठीक है। एंड थर्ड इज आपकी इम्यूनिटी जो इफेक्टेड हो चुकी है, आपने उसको नॉर्मलाइज करना है, और उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो आपकी फूड एलर्जीज, फूड इंटॉलरेंसेस, ऑटो इम्यूनिटी, ये सब कुछ वापस रिवर्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल या फिर मेडिकल इश्यूज हैं, वो भी आपके रिवर्ट होंगे। अच्छा, अब डिटेल में चलते हैं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की। अलीना, ये एक दो स्लाइड्स और करके देन मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, अगर कुछ आप पूछना चाहें तो। डाइजेस्टिव कंप्लेन्स में एब्डोमिनल पेन्स हैं, स्पैज़म है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, स्टूल्स में डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। देर इज़ अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन होना जो है वो काउंट करता है। अगर कॉन्स्टिपेटेड बच्चा नहीं है तो उसे कोई डाइजेस्टिव कंप्लेन कभी नहीं रही, डायरिया होना भी इसमें शामिल है, और ये दोनों भी होते हैं। कभी बच्चा कॉन्स्टिपेटेड था, फिर डायरिया हुआ, वो डायरिया हटा तो फिर बीच में कॉन्स्टिपेटेड हो गया, दो दो तीन तीन साल तक इस तरह की एपिसोड्स आ रही होती हैं।
फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, बहुत छोटे बच्चे मेरा ख्याल एक्सप्लेन ना कर सके, पेनफुल स्टूल्स, रिफ्लक्स एंड इनडाइजेशन, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, कॉम्पैक्टेड बाउल, बड़े बच्चों में बहुत कॉमनली देखा जाता है अगर आप एक्सरेज करवाएं, बैड ब्रेथ, कोटेड टंग. जी अलीना, आप कुछ पूछना चाहेंगी अगर तो मुझे प्लीज बताइए. अच्छा, ऐसे जब भी हमारे पास कमेंट्स में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन डॉक्टर सना मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स पूछते हैं कि गैप्स डाइट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और क्या ये काम करती है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अच्छा, आज जब प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी तो इसमें हम काफ़ी सारा डिस्कस करेंगे कि गैप्स डाइट करना मुश्किल इन अ सेंस सिर्फ इस हिसाब से है कि हमें अपनी जो हमारे घर में जो डेली रूटीन में चीज़ें पकती हैं ना, हमें उनसे थोड़ा सा हटना पड़ता है. पर अगर मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे की लाइफ देखूं या आप GFCF की भी बात करें, तो बात यह है कि हमें पेरेंट्स को ये बात बतानी पड़ती है कि आपने होममेड चीज़ों पे आना है, आपने प्रोसेस्ड और बाहर की चीज़ों को छोड़ना है. तो अगर आप बाहर की सारी चीज़ों को ऑलरेडी छोड़ने का माइंड बना लेते हैं, जो कि एटलीस्ट मैं तो 90-95% पेरेंट्स को गाइड भी करती हूँ और आई मेक देम डू दैट, तो आपने जब ये करना है तो उसके बाद आपके लिए एक सेकंड स्टेज बड़ी छोटी सी रह जाती है कि आपको घर पे कुछ चीज़ें और बनानी है. ठीक है, और इस प्रेजेंटेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही नहीं हैं जो के गैप्स पेशेंट होते हैं, उनके सिबलिंग्स में भी, एटलीस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में तो ये बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि उनके सिबलिंग्स को भी अटेंशन फोकस के इश्यूज हैं, स्लीप इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसके अलावा उनको स्पीच इश्यूज भी आ रहे हैं और वेट गेन के इश्यूज हैं और इनफैक्ट के इन पेरेंट्स को भी हैं. सो एक्चुअली अगर हम सोचें तो एक बार शायद आपको माइंड बनाने में आपको टाइम लगे, बट आपको एक लाइफस्टाइल चेंज चाहिए है और ये बहुत तरीके से आपको हेल्प कर सकता है. जो एक लोगों को शायद ये लगता है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट है, पर इसमें से ग्रेन्स निकालने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बट मसला सारा ये है कि आपको बाहर की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, आपको घर में बनाना है. तो ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को आ सकता है जो कि जॉब करते हैं या जिनके माशाल्लाह बच्चे ज़्यादा हैं, उन्होंने और बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो ये कुछ इस तरह है. बट नॉट, इफ नॉट 100%, एटलीस्ट 50% चेंज तो सभी कर सकते हैं. और गैप्स डाइट में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसकी दो मेजर टाइप्स हैं. एक गैप्स इंट्रोडक्शन है जो बहुत लिमिटेड और बड़े तरीके से चलती है, और एक फुल गैप्स है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं ग्रेन्स को निकाल के. एक लास्ट चीज़ मैं इसमें और बताऊंगी जो काफ़ी सारे बच्चों को, मेरे हिसाब से ऑटिस्टिक बच्चों को हेल्प कर देती है रिलेटेड टू डाइट, वो ये है कि दे आर ऑलरेडी वेरी पिकी ईटर्स. तो अगर आपका बच्चा ऑलरेडी पिकी ईटर है तो आपने फिर उसको, फॉर एग्जांपल मेरे बेटे की एग्जांपल ले लें कि उसने दालें और बहुत सारे बीन्स और ये तो कभी खाए नहीं थे, तो जब मैंने उसे डाइट पे किया है, ऑब्वियसली हमने गैप्स तो उस टाइम पे नहीं की थी, पर ऑटोमेटिकली हम काइंड ऑफ गैप्स पे इस तरह थे कि सिवाय एक ग्लूटेन फ्री रोटी के वो और कोई चीज़ नहीं खाता था. तो ऑटोमेटिकली हमने मीट जब शुरू किया है तो वो कीमा और गोश्त पर आ गया, फौरन से तो नहीं आया. इसीलिए इसी तरह जो बाकी भी हमारे पिकी ईटर बच्चे हैं, तो हम एटलीस्ट आपके बच्चे क्योंकि अभी ऑब्सेस्ड नहीं हैं ग्रेन्स खाने पे, अगर तो नहीं है तो आपको उसको निकालने की तो अभी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए हुए, तो आप इंट्रोड्यूस वो चीज़ उनके लिए कर दें जो उनको इन अ लॉन्ग रन फ़ायदा दे सकती है. अच्छा, इसमें एक चीज़ पेरेंट्स बहुत दफ़ा पूछते भी, और इनफैक्ट अभी एक पेरेंट ने कॉमेंट किया है, वैसे तो नहीं ये पूछा है कि क्या गैप्स डाइट के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन यूजुअली पेरेंट्स को यही होता है कि अगर हम बच्चों को इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स पे ले जाएंगे तो हमारे बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएंगे. तो बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या कहोगे उनको? और स्पेशली बहुत दफ़ा ये भी देखा गया है, ग्रुप्स में भी कॉन्वर्सेशन होती हैं कि जो मेडिकल मीडियम से लोगों का ताल्लुक है वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते कि ब्रेन और गट का एक है, लिंक है, जिसको अगर हम गट हीलिंग की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों का बिहेवियर भी मॉडिफाई होता है. हम तो ऑफ एंड ऑन पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन आपने भी नोटिस की होगी, बिल्कुल थोड़ा सा प्लीज एड्रेस करें एज अ मेडिकल डॉक्टर योरसेल्फ. मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से आइडिया है कि बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर, इवन कि अगर मेरे अपने कॉलीग्स भी होंगे तो वो भी अगर उनसे बात हो तो वो मुझे 10 रीजंस बता देते हैं कि यू आर रॉन्ग.
बट द थिंग इज के ऑटिज्म या डेवलपमेंटल डिलेज प्रॉब्लम्स इस तरह के इश्यूज हैं कि हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं बचता तो हमें देखना पड़ता है ऑल्टरनेटिव, लाइक बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर मैं ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में हूँ ना, सो इसलिए हूँ कि मुझे मेरे पास कोई रास्ता नहीं था. एंड देन जब मैंने पढ़ा, अब जो मैं बैकग्राउंड जो आपको बता रही हूँ उसको कोई भी डॉक्टर निगेट नहीं कर सकता. जो बैकग्राउंड मैं आपको बता रही हूँ वो होता है, टॉक्सिन्स ऐसे ट्रेवल भी करते हैं, दिस इज टोटली फाइन. पर ये बैकग्राउंड ऑटिज्म के साथ रिलेट करता है, बस इसके बारे में कोई बात करने पर राजी नहीं होता. ठीक है, सो एक तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में ये इश्यूज हैं, बट उसमें शायद मैं यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत यही कि लैक ऑफ अवेयरनेस, या मे बी अब क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ तो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ बहुत कम देखे हैं कि सिवियर साइड इफेक्ट्स आते हैं. पर हाँ, जो इश्यूज होते हैं उनके रीजंस क्या हैं. आपका बच्चा वेट लूज करता है, किसी भी किस्म की डाइट पर ले लें, जीएफसीएफ पे यही सवाल सारे जीएफसीएफ पर भी आते हैं. आपका बच्चा वेट लूज इसलिए कर रहा होता है कि आप कभी कभार डाइट के बेनिफिट सुन के इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो मैंने देखा है बहुत आम, हम नेक्स्ट डे ही जाके ना सब कुछ बंद कर देते हैं. जंक बंद कर दिया बच्चे को, वो भी नहीं, ब्रेड भी नहीं देनी, पोटैटोस भी नहीं देने, वो जो खा ही फ्राइज रहा होता है. अब आपने सारा कुछ बंद कर दिया एंड यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, योर किचन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. आपने पढ़ा ही नहीं कि ग्लूटेन फ्री फ्लावर्स हैं कौन से. ठीक है, अब आपने जब सब कुछ बंद किया तो नॉट जस्ट दिस के बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, बच्चे के बिहेवियर्स भी आते हैं. दो चार दिन के अंदर उसके इंस्टीट्यूट से कंप्लेन आना शुरू हो जाती है कि आपका बच्चा तो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, रोने लग गया है. इनफैक्ट आई हैव सीन कि दो तीन दिन में बच्चा अपने आप को सेल्फ हार्म करता हुआ भी आ रहा है. मुझे अर्जेंट इमरजेंसी कॉल्स भी आ जाती हैं कि हम बच्चे को लेकर आ रहे हैं और आप देखें, और वो बच्चा आते ही जो है वो खाने पीने की चीज़ों की तरफ भाग रहा है, उसे जो नजर आ रहा है, और मदर उसे पकड़ रही है कि नो वी आर गोइंग फॉर डाइट, वी आर गोइंग फॉर ग्लूटेन फ्री एंड कैसीन फ्री. सो वेन यू आस्क देम कि आपने दिया क्या है लास्ट टू डेज में, तो वो कहती हैं कि जी जो रोटी दी तो वो तो अच्छी नहीं लगी उसे, बाकी चीज़ें तो हमने उसको देनी नहीं थी, एक और हमने कोई चीज़ बनाई वो भी उसको अच्छी नहीं लगी. सो द थिंग इज कि आपका बच्चा भूखा है. तो अगर आपने डाइट में यही आगे किया, किसी भी किस्म की डाइट पे, कि आप यू वर नॉट प्रिपेयर्ड, पर आपने बच्चे जो ऑलरेडी वो चीज़ें ले रहा था वो ऑल ऑफ अ सडन रोक दी डे वन पे डे टू पे, तो आपने अभी तो आपका बच्चा जो है वो भूखा है, तो वो एक भूखा बच्चा बिहेवियर भी शो करेगा. और देन अगर वो हफ्तों तक रखेंगे, दो तीन हफ्ते के अंदर ही आपको विजिबल चेंज नजर आने लग जाता है उसकी हेल्थ में, और आपके रिलेटिव्स आपके घर के लोग भी कहना शुरू करते हैं कि यू आर डूइंग रॉन्ग. तो जो मेरी सजेशंस पेरेंट्स को होती हैं इस सिनेरियो में, और वो गैप्स के लिए भी होंगी, वो ये होगा कि सबसे पहले टेक योर टाइम, गेट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर योर किचन. अब अपने किचन में चीज़ें लेकर आए. अब देखें गैप्स के लिए तो खैर देयर इज अ डिफरेंट लिस्ट, पर फॉर एग्जाम्पल ग्लूटेन फ्री है तो आप पहले सारी चीज़ें तैयार करें, अलग अलग लें, रखें अपने पास, और थोड़ा सा पढ़ें, देखें रेसिपीज को एक्सप्लोर करें. मैं आपको अकेले आपके बच्चे के लिए कोई ऐसी रेसिपीज नहीं बता सकती, आपको वो खुद ब खुद थोड़ी सोचनी पड़ेंगी. एक बच्चे को अंडा थोड़ा शायद हो सकता है पसंद है, तो उसको कितनी चीज़ें उसकी रेसिपीज बन सकती हैं, एक और बच्चे को कोई और चीज़ पसंद हो सकती है, तो ये आपको थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा. देन पहले प्रिपेयर करें, वो बच्चे को ऑफर करें वो चीज़. आपने ग्लूटेन फ्री और कैसीन फ्री शुगर फ्री केक बनाया है, आप पहले वो बच्चे को ट्राई करें. अगर वो एक हफ्ता उस पर लगाएं, अब वो खाना शुरू हो रहा है तो उसके केक्स को स्टॉप करें. एटलीस्ट मेरा तरीका ये है कि फर्स्ट आप एक चीज़ और एक वक्त में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करें, बच्चे को उसकी आदत डलवाएं. उसके लिए आपको ABA की हेल्प लेनी पड़े, लाइक बच्चे को रिवॉर्ड देना है या उसको रीइंफोर्स करना है. ठीक है, वो करके करना है. अगर बच्चा स्क्रीन के साथ है तो कुछ भी चीज़ें यूज करके बच्चे को आप एक बाइट लेने पे कर दें. थोड़ा सा डिसेंसिटाइज हो जाते हैं ये चीज़ों को बार बार ट्राई करने से. ठीक है, तो वो बच्चा लेना शुरू करेगा. तो पहले इंट्रोड्यूस करें फूड को और देन एक चीज़ को निकालें. ठीक है, बजाय इसके कि आप सारा कुछ बंद करें और अगले दो महीने आप स्ट्रगल करते रहें, आप खुद भी फ्रस्ट्रेट हो जाएं, थक जाएं, तो इस तरह सक्सेसफुली डाइट नहीं हो पाती. डॉक्टर सना, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक पेरेंट ने किया हुआ है. शी सेड, व्हाट अबाउट द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ लीविंग स्नैक्स ऑन ऑटिस्टिक चाइल्ड, हाउ टू ओवरकम दैट, हाउ यू हैंडल एज अ पेरेंट? ओके, पहले तो सबसे बड़ी बड़ी बात यह है कि एज अ पेरेंट तो मुझे तो अभी प्रैक्टिस में रह के शायद आई डोंट हैव एनी लाइकलीनेस फॉर जंक फूड एज अ स्नैक्स. तो मुझे तो उसमें कोई ऐसी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती. और अगर आप खुद पढ़ें तो एज अ पेरेंट तो सबसे पहले आपको खुद कन्विंस्ड होना चाहिए कि ये तो हम अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं. अगर आप अपना ये माइंडसेट बना लेते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय इसके कि आपका बच्चा बड़े शौक से लेता है, पर बात यह है कि आपने ही अपने बच्चे को हेल्प आउट करना है ना, उसके शौक है पर वो उसके लिए जहर की तरह काम कर रहा है, तो आपको वो उसको उस जहर से रोकना है. जैसे हम उसे किसी भी ऐसी डेंजरस चीज़ से रोकेंगे जो उसको पसंद है पर वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक है. ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट्स स्ट्रांग हो जाएं
और उसके बाद देन अगेन वही चीज आती है कि आप अपनी एक लिस्ट बना लें। अगर वो बच्चा है जो कि पिकी, इतना पिकी है कि वो है ही स्नैक्स में चिप्स और चॉकलेट्स और डिफरेंट चीजों पे, तो सबसे पहले आप नोट डाउन करें कि उसके लिए सबसे ज्यादा वर्सनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है तो मैं पहली मीटिंग के बाद उनको काउंसिल करूंगी कि इसकी आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स को कंट्रोल कर लें पहले, ठीक है। अगर ये एक लेज ले रहा है तो उसका क्वांटिटी कम कर दें, 50 रुपए वाले पैक के बजाय 10 रुपए वाला पैक दे दें। और मीन टाइम आप घर में कोई चीज बना लें, घर में भी तो आप फ्राइज को ओवल शेप में, पोटैटोस को काट के और उसको इतना फ्राई कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में फ्राई कर लें, इतना फ्राई कर सकते हैं, उनको ड्राई करके उतार सकते हैं, देन वो बच्चे को ऑफर करें, ठीक है। तो घर में आप अगर कुछ बना के दे लें, फिर जो उसकी लिस्ट में 10 चीजें हैं उन 10 को पहले 5 पे ले आए, उनमें से ऐसे 5 निकाल दें जो उसके बिहेवियर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये भी देखा है कि जब आप ये थोड़े बहुत चेंजेस भी करते हैं, बिलीव में बच्चों में 20-30% ऑफ कंप्लायंस तो उसी वक्त आ रही होती है। आप आधी चीजें उनकी आगे पीछे करते हैं, बाकी का पेरेंट्स को समझाना नहीं पड़ता, बच्चे खुद ब खुद कंप्लायंट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सारा उनकी गट में जो कुछ ये हैवॉक क्रिएट हुआ हुआ था इस डर्टी फूड की वजह से, वो फूड रुकने की वजह से ऑटोमेटिकली भी खुद ब खुद हीलिंग स्टार्ट हो रही होती है और उनका दिल जाने लगता है डिफरेंट तरह की चीजों को ट्राई करने के लिए, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा कोऑपरेट होता है। इसमें फिर एक और इशू ये आ जाता है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थेरेपीज पे तो चलो आपका मैं कहूंगी इतना नहीं होता क्योंकि थेरेपिस्ट फिर भी बच्चे को किसी और तरह कंट्रोल कर लेगा, पर स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि, और खास तौर पे वो स्कूल गोइंग बच्चे जो कि मेन स्ट्रीम में जा रहे हैं। अब नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे तो खा रहे होते हैं ये सारी चीजें, और अब आप वहां पे कैसे करें? अगर आप बच्चे को लंच बॉक्स पे नहीं डाल के देते तो फिर वो बच्चा स्कूल में जाके वो चीजें छीनता है, ठीक है। तो कुछ केसेस में हमें इस जगह पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि जस्ट एक वो वाला मील जो स्कूल बॉक्स में जा रहा है उसको जाने दिया जाए, बट अगेन उसमें फिर ये थोड़ी सी की जाए, स्कूल वाले से बात की जा सकती है कि वहां पे आप और बच्चों को भी काउंसिल करें, बताएं। फॉर एग्जांपल, मेरे बेटे के स्कूल में एक स्कूल में अलाउड नहीं था प्राइमरी से पहले बच्चों को बाहर की चीजें लेके आना, तो काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जो हैं, तो एक ये किया जा सकता है। और दूसरा ये भी किया जा सकता है कि आपका बच्चा जो जंक फूड लेकर जा रहा है उसकी वो क्वांटिटी को कम कर दिया, साथ एक फ्रेश फ्रूट या कोई और चीज भी साथ रख दी जाए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम करके थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों की फ्रस्ट्रेशन को। आगे चले अलीना हम? जी बिल्कुल। ओके, सो डैमेज कट वॉल के बारे में हमारी बात हुई। अगेन, लैक ऑफ प्रोटेक्शन बाय बेनिफिशियल फ्लोरा, वहाँ पे बैड बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है, आपकी जो सेल्स हैं आपकी GIT ट्रैक के, आपकी इंटेस्टीन के सेल्स डैमेज हो गए, हमारी जो आंतें हैं इनके सेल्स में टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये जंक्शंस ऐसी चीजों को पास आउट नहीं होने देते, गट से एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। पर ये जो डैमेज होता है ये टाइट जंक्शंस को लूज अप कर देता है, ठीक है। अब ये जंक्शंस, टाइट जंक्शंस खत्म हुए तो अब इससे कोई भी मॉलिक्यूल्स पास ऑन हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स पास डाउन कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, दिस इज कॉल्ड लीकी गट। अब ये इसमें होल्स बन गए। सो अब क्या है कि आपका जो फूड है जो कि एक अच्छी एब्जॉर्ब हुई हुई फॉर्म में जाना चाहिए था, वो आपका पार्शली डाइजेस्टेड जा रहा है, ठीक है। टॉक्सिन्स आपके यहाँ से पास डाउन कर सकते हैं बॉडी में। अब ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, आपकी बॉडी इसको रिकग्नाइज करेगी कि ये फॉरेन बॉडीज आ गई हैं, और आपका अपना इम्यून सिस्टम इसको अटैक करना शुरू कर देगा। और इसी वजह से हम ग्लूटिन और कैसीन की बात भी करते हैं कि यही रीजन है जिसकी वजह से गंदम या काउ मिल्क रिलेटेड डेयरी जो है वो भी हमारे बच्चों की बॉडी में एलर्जीज कर रही होती है। एंड देन यही सारे टॉक्सिन्स आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करते हैं एंड दे स्टार्ट अफेक्टिंग योर ब्रेन। वहां से आपके बच्चे की इम्पेयर्ड लर्निंग बिहेवियर्स, सोशल स्किल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमारा उसमें रह गया, वो था न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज पे बात हो रही थी। सॉरी, That was a very important thing. Nutritional deficiencies को हम overcome कर सकते हैं by balancing your diet. ठीक है, randomly ना करें, आप एक proper plan बना के करें। और मेरा एक ये तरीका है कि मैं कुछ testing भी करवा लेती हूँ, और secondly आप जब बच्चे को examine करते हैं ना, तो बहुत सारी जो हमारी nutrient deficiencies हैं उनके बड़े clear signs and symptoms होते हैं। तो एक तो आपको बच्चे को देख के पता चल रहा होता है maybe ये iron deficient है, नहीं है,
और दूसरा ये कि कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो पाकिस्तान में हो सकते हैं, वो आपको हेल्प करें, तो मे बी आप एक प्रॉपर तरीके से चलें, आप कुछ टेस्ट करवा लें, बच्चे की बॉडी आपको बता रही होती है, तो फिर जब आप डाइट पे जाएं, सो यू कैन ऑलवेज यूज सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, इवन इनफैक्ट के इन गैप्स डाइट एज वेल, अगर आपकी सीवियर डेफिशिएंसीज हैं या बच्चा विजिबली साइन सिम्टम शो कर रहा है, तो आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मीन टाइम जब तक आपकी बॉडी हील आउट कर रही है उतने टाइम में आपका बच्चा सीवियर डेफिशिएंसी में ना चला जाए। कोई भी डाइट जो प्रॉपर तरीके से की जाएगी और बैलेंस्ड होगी तो वो कभी भी आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज नहीं देगी, इनफैक्ट कि वो आपके बच्चे को हील करेगी, हेल्प करेगी हीलिंग में, और कोई भी डाइट जो कि हील अप कर रही होगी तो वो कभी भी एंड अप नहीं करेगी आपका अननेसेसरी वेट लॉस पे, ठीक है। सो कमिंग टुवर्ड्स गैप्स, सो अब क्या है कि हमारी फुल बॉडी इफेक्ट हो रही है, मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताते जाऊंगी, आपका लिवर इफेक्ट हो रहा होता है, लिवर में टॉक्सिन्स का फ्लो ज्यादा है, अब आपका लिवर ओवर बर्डन है, ठीक है, उसके सारे फंक्शंस जो हैं वो स्लगिश हो जाएंगे, आपके अपने बॉडी में टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, आपके एनवायरमेंट से जो टॉक्सिन्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, इन सब का मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्ट करेगा, बाइल स्टोन्स भी बन जाते हैं, ठीक है। सो आपके गॉल ब्लैडर में फ्लो स्लो होगा, स्लगिश होगा, पैरासाइट्स अगर हैं तो वो कोटेड हो जाते हैं बाइल से, वो ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं आपके बाइल डक्ट्स को, ठीक है, ये भी एक बहुत मेजर कॉज है कॉन्स्टिपेशन का ऑटिस्टिक बच्चों में स्पेशली। सो इसमें हेल्प करते हैं जूसेस, गैप्स, मिल्क शेक्स हैं वो हेल्प करते हैं, और फैट्स थोड़ी सी कम लेनी पड़ती है, कुछ सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। लंग्स इफेक्टेड होते हैं बच्चों के, बहुत से बच्चों को क्या कहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं, एस्थमा होता है, ठीक है, अगेन ड्यू टू टॉक्सिन्स, एक्जिमा बहुत कॉमन है ऑटिस्टिक बच्चों में, और अगेन उसका भी पैथोफिजियोलॉजी वही है टॉक्सिन्स। इसके अलावा किडनीज इफेक्ट होती हैं, ब्लैडर इफेक्ट होता है, बच्चे बेड बेटिंग कर रहे होते हैं, टॉयलेट ट्रेन नहीं हो पा रहे होते, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है उनको, उनका जो ऑक्सलेट्स हैं वो स्टोर हो रहे होते हैं ब्लैडर में, किडनीज में, उसकी वजह से बच्चों को बॉडी पेन्स हो रहे होते हैं, पेनफुल यूरिनेशन हो रही होती है। अगेन एक गैप्स का ही साइन है फसी ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नताशा जो गैप्स पीपल हैं वो दे आर फसी ईटर्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस बैकग्राउंड, दिस इज अ साइन ऑफ गैप्स। मोर देन 90% ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड देयर सिबलिंग्स, अगेन आई सी दिस कॉमनली कि अब उनके बहन भाइयों में भी ये प्रॉब्लम है कि वो पिकी ईटर्स हैं, ज़्यादातर स्टार्ची फूड ले रहे होते हैं, स्वीट्स ले रहे होते हैं। सो हाउ गैप्स ट्रीटमेंट वर्क्स, तो जो बेसिक हमारे चार स्टेप्स हैं जो उसका बैकग्राउंड बेस करता है, अगेन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें रिपीटेडली लिखी हैं ताकि वो हमें याद हो जाएं। अगेन हमने सबसे पहले कॉज रिमूव करना है, इरिटेंट को रिमूव करना है, ठीक है, सो हमें डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, ठीक। नंबर टू, हमें अब जो बैड बैक्टीरिया वहाँ ग्रो कर चुके हैं उन्हें स्टार्व करवाना है, उन्हें स्टार्व करवाने के लिए हमें स्टार्ची हाई कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड और शुगरी फूड, इनको रोकना पड़ता है, ठीक है। सो नेचुरली आप बैड बैक्टीरिया को किल कर रहे हो। अब ये दो चीजें हो गई तो अब जो डैमेज वहां हो चुका था हमने उसको गट लाइनिंग को हील करना है एंड देन सील करना है, ठीक है। एक बार वो हील होगी और जब वो प्रॉपरली सील हो जाएगी तो अब ये किस तरह होगा, ये उन फूड आइटम्स की वजह से होगा जो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं गैप्स डाइट में, ठीक है। आपकी जब लाइनिंग हील एंड सील हो गई तो अब वहां पे वही सारी चीजें जिनको हम कह रहे थे कि ये वाले फूड आइटम्स तंग करेंगे, ये वाले फूड आइटम्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे, अब ये सब नॉर्मली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो यू विल बी बैक टू अवर नॉर्मल लाइफ। एंड नंबर फोर स्टेप इज दिस, रीबिल्ड द माइक्रोबायोम, जिसमें आपको आपका जो गुड बैक्टीरिया है वो ऐड करना होता है थ्रू द हेल्प ऑफ फूड्स एंड प्रोबायोटिक्स। सो गैप्स न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल, तीन चीजें होती हैं, एक हमें गैप्स डाइट करनी होती है, नंबर टू वी कैन यूज सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स टू हेल्प आवरसेल्फ, नंबर थ्री इज डिटॉक्सिफिकेशन, सन बाथिंग, लाइफस्टाइल चेंजेस। सो बेसिकली गैप्स न्यूट्रिशन प्रोटोकॉल में सिर्फ डाइट नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें आपके सप्लीमेंट्स भी आते हैं। सो एक ये मिसकॉन्सेप्शन कि हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की तरफ जा सकते हैं या बाकी सारी चीज़ें वो उनको हम इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, हमें जो बीच में कुछ चीज़ें जो कि बहुत सीवियरिटी पे हैं या इस तरह के मसले जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनके लिए सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ते हैं।
आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं कि हमें गैप्स में क्या करना है, हमें हर किस्म के ग्रेन्स रोकने होते हैं, ठीक है, कोई दालें नहीं, गंदम नहीं, चावल नहीं, ठीक है, बीन्स किसी किस्म के, ठीक। एक हमने सब ग्रेन्स रोक दिए, ठीक, चावल ले लें और रोटी ले लें, रोटी चावल और दालें वगैरह। इसके बाद हमें स्टार्ची फूड रोकना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाई स्टार्च वेजिटेबल्स हैं वो हैं आलू और स्वीट पोटैटोस, शकरकंदी, ठीक है। उसके बाद स्टार्ची फिलर्स जैसे गुआर गम है, जैंथम गम है या पेक्टिन्स है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ। जो बेसिक जो दो बड़ी बड़ी चीजें जो थी वो यही थे कि हमें हर किस्म के स्टार्ची फूड और ग्रेन्स ये रोकने पड़ते हैं। और ये अगर आप मुझसे टोटल ड्यूरेशन पूछे, वेरी करती है ये पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आप जब स्टेप बाय स्टेप ये सब करते हो और आप हीलिंग की तरफ आते हो, तो जितना जल्दी एक बंदा हीलिंग की तरफ जाता है, आप स्टेजेस, इसकी स्टेजेस होती है, आप उसके स्टेजेस में ऊपर 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 जाते रहते हैं। आम तौर पे 1.5 से 2 साल कहते हैं टाइम पीरियड, इतना एटलीस्ट लगता है, ठीक है। आपको कमर्शियल शुगर्स हर किस्म की रोकनी पड़ती हैं। इसमें सिर्फ एक रॉ गुड सोर्स हनी हमारे पास है जो हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ब्राउन शुगर हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई कोकोनट शुगर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड फिर फाइबरस वेजिटेबल्स, फाइबरस वेजिटेबल्स में आपका फूल गोभी है और स्टॉक्स हैं, फिर ब्रोकली या फिर सेलरी वगैरह के सिर्फ स्टॉक्स, ठीक है, वरना हम ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं। सो ये फाइबरस वेजिटेबल्स, जो फाइबरस चीजें हैं, वो आपकी कॉन्स्टिपेशन वर्स कर सकती हैं, ठीक। तो मिल्क, डेरी हम यूज करते हैं गैप्स में, पर हम उसे कल्चर करते हैं, हम उसे फर्मेंट कर सकते हैं, फर्मेंट करके यूज करते हैं। आगे मैं इसमें बताऊंगी कि किस तरह। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि फिर अब हम डेरी यूज कर रहे हैं तो हम तो कैसीन फ्री करते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, तो अब हम यहाँ पे डेरी कैसे यूज कर रहे हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। कोई किसी किस्म का हमें प्रोसेस फूड नहीं देना होता, कोई फूड एडिटिव्स नहीं देने होते, कोई कलर्ड फूड, सब चीजें घर पे बनती हैं। इवन के डॉक्टर नताशा कैम्पबेल जो अपनी कोर्सेस में, जो अपनी वेबिनार्स पे बाहर जो है फॉरेनर्स को, अब्रॉड जितने लोगों को वो ट्रेन करती हैं या जो उनके पेशेंट हैं, उसमें पहली चीज उनकी यही है कि आपने बाहर से कुछ नहीं लेना। इवन के आप गैप्स के बने हुए फूड आइटम्स भी वो किसी को प्रमोट नहीं करती, किसी का नहीं सजेस्ट करती कि आप ये जाके फलाना वाला खरीद लें बाहर से, ठीक है। कोई जूसेस, कोई फर्मेंटेड फूड आइटम्स, नो। पहली शर्त ये है कि आपको सब कुछ घर पे बनाना है। अब चाहे आप कम बनाएं, ज्यादा बनाएं, चाहे आपका लाइफस्टाइल जैसा भी है, पर आपको घर पे बनाना है, ठीक है। अब हम क्या चीजें खा सकते हैं, जो रेकमेंडेड फूड्स हैं उसमें हम किसी भी किस्म का गोश्त खा सकते हैं, ठीक है। गोश्त खाने में सबसे बड़ा, हमारे पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास प्रॉब्लम अब ये है कि गोश्त की क्वालिटी, ऑर्गेनिक मीट हो, ऑर्गेनिक नहीं मिल सकता तो गुड क्वालिटी हो, ग्रास फेड एनिमल हो, नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आप ये जरूर करें कि जिस भी बंदे से आप लें वो ट्रस्टेड हो, ठीक है। अभी भी यहाँ भी काफी सारी जगह पर आपको एक दो दो तीन लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके पास देसी जानवर हैं, ठीक है। ये हमारी गैप्स डाइट में एक चीज तो डेफिनेट है कि जो गोश्त यूज होगा वो ग्रास फेड एनिमल्स उनका, और जो डेयरी की भी हम जहां पर भी बात करेंगे वो डेयरी भी ऑर्गेनिक या ग्रास फेड एनिमल्स की, ठीक है। और अगर अवेलेबल नहीं है तो मेक श्योर के जो सेलर है वो ट्रस्टेड हो, इतना ट्रस्टेड हो कि आप कुछ तो बेहतर चीजें ले सकें, ठीक है। हम हर किस्म का गोश्त खा सकते हैं, मटन, बीफ, देसी चिकन, फिश, हम उनका ऑर्गेन मीट ले सकते हैं, ठीक है। लिवर यूज कर सकते हैं, ब्रेन यूज कर सकते हैं, हमें गुड क्वालिटी एग्स चाहिए, हम गुड फैट्स ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी फैट यूज कर सकते हैं जिसमें देसी घी, घर में बना हुआ मक्खन, ठीक है, टैलो जो कि चर्बी पिघला के बनता है, अगेन जानवर फिर वही रहेगा जो कि ऑर्गेनिक ग्रास फैट हो। नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो हम इसमें ले सकते हैं, हम इसमें हर किस्म का फ्रूट ले सकते हैं, पर इनिशियली प्रेफरेबली वो अगर राइप हो, ठीक है, रॉ फ्रूट ना हो ताकि वो इजी टू डाइजेस्ट हो। रॉ वेजिटेबल्स भी यूज हो सकती हैं फुल गैप्स पे जाके, इनिशियली अगर आप उनको कुक्ड इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है, अगेन वही डाइजेशन करने, डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी रहती है। नट्स एंड सीड्स कोई भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब डेरी, डेरी में मैंने वही कहा कल्चर डेरी, कल्चर करने का तरीका मैं इसमें बताऊंगी। हम दूध इस्तेमाल करेंगे पर हम दूध को कल्चर कर लेंगे
वे के साथ या योगर्ट के साथ, ठीक है। हम दही इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सार क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा सा इसकी स्टेजेस होती हैं कि कोई चीज़ें बहुत शुरू में इंट्रोड्यूस नहीं होती, थोड़ा सा लेटर ऑन होती हैं। सारी चीज़ों का घूम फिर के पॉइंट एक ही आ जाता है कि आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इनिशियली जब आपने हीलिंग स्टार्ट की है तो उसे ओवरबर्डन नहीं करना, ठीक है। और कोल्ड एक्सट्रैक्टेड हनी यूज़ होता है, लेंटल्स थोड़ा सा एंड में यूज़ हो सकती हैं, लिमा बीन्स हैं, वाइट ने भी बीन्स हैं, ये इस्तेमाल हो सकते हैं, और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर अब ये रेकमेंडेड फूड्स को हम देखें तो इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अगर नहीं हैं तो ग्रेन्स हैं, ठीक है। 50% ऑटिस्टिक बच्चे तो मेरे पास जो आते हैं वो तो नहीं ले रहे होते कोई ग्रेन्स भी नहीं, बहुत ही पिकी होते हैं वो, तो दो या तीन चीज़ों के ऊपर होते हैं। तो आपका काम है इंट्रोड्यूस करवाना। अब जो नई चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस करवानी है उसमें अगर बीन्स नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल से कोई फर्क पड़ता है, आप इंट्रोडक्शन वही चीज़ों से कराना शुरू करें जो आपकी अलाउड है, ठीक है। और फिर एक कैटेगरी वो भी होती है जो कि राइस या फिर रोटी बहुत ज़्यादा शौक से खा रहे होते हैं, ठीक है। सो उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, पर अगेन जब आपने बच्चों के लिए ये डाइट स्टार्ट करनी है, स्पेशली एडल्ट्स तो कर सकते हैं इजीली, पर बच्चों के लिए जब आपने डाइट स्टार्ट करनी है तो देन स्टेजेस हैं, छोटी छोटी भी होती हैं, कुछ कुछ दिन के हिसाब से भी हैं, तो वो आप जल्दी उससे गुजर जाएंगे। अच्छा, मीट एंड फिश स्टॉक्स हम बना सकते हैं, यखनियाँ बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उससे सूप बना सकते हैं। और जब आपने यखनी बनानी है तो उसमें जैसे पाए बनते हैं तो जॉइंट्स, कार्टिलेज, जितना उसमें नेचुरल जेलेटिन है आप वो भी यूज़ करेंगे, ठीक है। फर्मेंटेड फूड इस्तेमाल होता है, किसी भी वेजिटेबल को हम फर्मेंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन एक पूरा प्रोसेस है, मेरा ख्याल है कि उसे आज हम कवर नहीं कर सकेंगे, मे बी उसके लिए हमें एक अलग कुछ करना पड़े, बट आई विल ट्राई कि मैं उसको जितना एक्सप्लेन हो सकता है यहाँ पे कर दूँ। सो एक उसमें बड़ी फेमस चीज़ है सॉरक्रॉट। सॉरक्रॉट क्या है, हम बारीक बारीक बंद गोभी को हम काटते हैं, ठीक है, और चॉप करते हैं। चॉप करने के बाद हम उसे एक जार में फिल कर देते हैं प्रेस करते हुए, ठीक है। और जब आप उसे प्रेस करके जार में फिल करना शुरू करते हैं तो वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर देती है। इस बंद गोभी को हम एयर टाइट जार में बंद कर देते हैं, ठीक है, और इसे कम से कम 4 से 5 दिन में इसमें नेचुरली फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है, इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू होता है। आपने इसे एयर टाइट जार में बंद किया है, इसमें एनरोबिक केमिकल रिएक्शंस होंगे, लैक्टिक एसिड बनना शुरू होगा, वो लैक्टिक एसिड हेल्प करता है हमें हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है, हमारी गट हेल्थ के लिए, और ये सारा प्रोसेस नेचुरल होगा। तो बेसिकली जो फर्मेंटेड फूड है वो एक अचार की तरह का टेस्ट उसका बन जाता है, सावर होता है, और पर उसमें हमने कोई भी प्रोसेस्ड और बाहर की या आर्टिफिशियल चीज नहीं डाली होती। अब ये बंद गोभी है तो इसके साथ आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, इसके साथ आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का कि ये तो सावर होगा या अचार तो बच्चे नहीं खाते, तो आप इसका पानी फ्यू ड्रॉप्स भी आप देना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जो सावर शौक से खाते हैं वो ले भी लेंगे, पर इसको आप ग्राइंड करके क्रश करके किसी भी खाने में आप इसको अपने सूप में अपनी यखनी में डाल सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट विद फ्यू ड्रॉप्स एज वेल। इसके एक एक ड्रॉप, दो दो तीन तीन ड्रॉप्स में बहुत ज़्यादा नरिशमेंट है, तो वो भी बच्चों को फ़ायदा देता है, वो बहुत ज़्यादा हीलिंग फूड्स हैं और इससे आपकी बहुत जल्दी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो वेजिटेबल्स को फर्मेंट कर सकते हैं, फिश को कर सकते हैं, डेरी का मैंने आपको बताया कि हम डेरी को भी फर्मेंट करते हैं, जूसेस को फर्मेंट करते हैं, सीड्स और नट्स को भी फर्मेंट करते हैं, ठीक है। नेचुरल फैट्स, ब्रेन हमारा 60% जो है वो फैट्स है, हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे ऑल आर फैट्स। तो गैप्स डाइट में बेसिकली प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन में मैंने आपको बता दिया डिफरेंट किस्म के मीट्स, फैट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है पर ये नेचुरल एनिमल फैट्स है, ठीक है। घर में बना हुआ मक्खन, घर में बना हुआ देसी घी, टैलो, कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस होना चाहिए, कोकोनट ऑलिव ऑयल कोल्ड प्रेस होना चाहिए, एवोकाडो ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ये सारे ऑयल्स हैं जो हम अपनी डाइट में, बट हम ये इसमें पकाते नहीं हैं, ठीक है। पकाने के लिए आप देसी घी या कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बाहर से जो मार्जरीन्स आते हैं, बटर है, वेजिटेबल ऑयल्स, इनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और बहुत बार ये भी होता है, अगर कुछ लोग नहीं कर पा रहे होते ये ऐड, तो मैं उनको ये भी सजेशन देती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने ये नहीं करना तो उनको तो इस्तेमाल करना छोड़ें, एटलीस्ट जो आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं या जो आप बाहर प्रोसेस बटर लेकर आते हैं।
इन चीज़ों को जो प्रोसेस जितने भी बटर्स और वेजिटेबल्स ऑयल हैं दे अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में मेटल्स यूज़ किए जाते हैं लाइक एल्यूमिनियम है, निकल है और इसके अलावा भी, और ये मेटल्स उसमें ख़त्म नहीं होते प्रोसेस में, ये रह जाते हैं। और ये बात हम में से बहुत से लोगों को पता है कि जितने भी हमारे न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीजेस हैं या स्पेशली ऑटिज्म है, तो हमारे बच्चों में मेटल्स लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अब यही सारे जो प्रोसेस बटर और वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये फिर यही बटर्स और ऑयल्स आगे यूज़ होते हैं कुकीज़ बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए। तो फिर ये सारा सोर्स है जहां से हमारे बच्चों की बॉडी में मेटल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो घूम फिर के फिर होममेड चीजें हमारे लिए बहुत तरीके से हमें फायदा दे रही होती हैं। गैप्स डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टिव डाइट है, नो। आप ब्रेड बना सकते हैं, किस तरह, आप आलमंड फ्लोर ले लें, कोकोनट फ्लोर ले लें, आप वो यूज कर सकते हैं, आप उसकी ब्रेड बनाएं, आप पाई बना सकते हैं, केक्स बना सकते हैं, मफिन्स बना सकते हैं, पैन केक्स, वॉफल्स, ये सब बनता है। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि आप आलमंड फ्लोर, कोई भी नट फ्लोर ले लें, आप उससे बना सकते हैं, आप उसमें इनफैक्ट के बहुत न्यूट्रिशियस होगा, आप उसमें देसी घी डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, आप उसमें कोई भी फ्रूट मैश करके या वेजिटेबल्स बॉयल एंड मैश करके डाल सकते हैं। ठीक है, आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर सकते हैं, आप नट्स यूज कर सकते हैं, आप राइप बनाना यूज कर सकते हैं, आप एप्पल बेक करके उसे मैश करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चीज यूज होती है, फर्मेंटेड क्रीम यूज होती है। इन सारी चीजों की बनाने की जो है ना रेसिपी बुक्स भी हैं पूरी पूरी, और अगर वो हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, मैं आपको दिखाती हूँ, आई हैव अ कॉपी, तो इसमें हर चीज की कंप्लीट रेसिपीज हैं। और मेरा ख्याल है वो उनको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके यूज कर सकते हैं। ये नजर आ रहा है आपको अलीना? थोड़ा सा खरीद कर दीजिएगा या नाम पढ़ के दिखा दे, थोड़ा सो दिस इज सुपर कर दो। कंप्लीट कुकिंग टेक्निक बाय मोनिका कोराडो। ओके ठीक है, थैंक ओके, यू। सो इसमें ये जो मैंने अभी जस्ट ये नाम लिए हैं चीजों के, इसमें हर चीज की एक रेसिपी मौजूद है, देयर आर 100 ऑफ रेसिपीज। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना है, ऑयल अपना चेंज करना है, अपना फ्लोर चेंज करना है, दैट्स इट। बेकिंग तो बहुत आसान है, टाइम हर चीज के लिए चाहिए, नो डाउट। सो गैप्स डाइट के, अब हम डाइट की तरफ आ जाते हैं। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ डाइट इंट्रोड्यूस कराने का क्या तरीका है। गैप्स इंट्रोडक्शन डाइट होती है, फुल गैप्स डाइट होती है, और फिर आपने डाइट खत्म करके नॉर्मल डाइट बनाना होता है, जिसे हम कहते हैं कमिंग ऑफ द डाइट। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस हैं हमारी। ओके, सो गैप्स इंट्रोडक्शन डाइट, थोड़ा सा बेसिक रिव्यू दूंगी मैं, इसकी स्टेजेस पे नहीं आऊंगी अनलेस कि हमारे पास कोई ऐसी क्वेरी आती है, क्योंकि आई डोंट वांट कि अभी हम मुझे लगता है कि कुछ चीजें होंगी जो अभी भी पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं अभी कुछ चीजों को छोड़ दूंगी कि हम उसमें इन डेप्थ ना जाएं, ताकि हम मजीद उसकी कोई खिचड़ी ना पक जाए। सो गैप्स इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, दो दो तरह बेसिक मैंने आपको बता दी, गैप्स इंट्रोडक्शन एंड फुल गैप्स। फर्क ये है कि गैप्स इंट्रोडक्शन डाइट में हर चीज इंट्रोड्यूस करने का एक तरीका है, एक टाइम है, इसकी 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, जो हमने गैप्स पे लेनी होती हैं, हम उन्हें बड़ा स्लोली और ग्रेजुअली ऐड करते हैं, 3 से 4 डेज, 5 डेज का गैप रख के। और अगली स्टेज पे हमने कैसे जाना है, ये हमें पता चलता है जब हमारे सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे होते हैं। ठीक है, सो 4 से 5 दिन की एक स्टेज बेसिकली होती है। और आप इसमें सबसे पहली स्टेज पे हम क्या शुरू करते हैं कि हम यखनी बहुत ज्यादा लेते हैं। ठीक है, सो हमने इसमें इसमें सेमी सॉलिड्स लेने, यखनी लेनी है, और ठीक है, सो मीट स्टॉक्स यूज होंगी, सूप इस्तेमाल होगा, योगर्ट यूज हो सकता है। ठीक है, कैमोमाइल टी, जिंजर टी, ये हम यूज कर सकते हैं। स्टेज 2 पे हम जाएंगे, हम चीजें बढ़ाते जाएंगे, रॉ एग योक्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें फर्मेंटेड फिश, फिर इसमें घी भी ऐड हो जाएगा। स्टेज 1 में योगर्ट सार क्रीम थी, घी नहीं था, स्टेज 2 में घी आ गया। स्टेज 3 में आप यही चीजें, एंड देन आप पैनकेक्स बना सकते हैं एग्स के साथ। ठीक है, अब आप, पहले हमने जो है वो रॉ एग यूज किए 2 में, 3 में हम स्क्रैम्बल्ड एग
ऑमलेट्स पर भी आ सकते हैं, ठीक है, फर्मेंटेड वेजिटेबल ऐड हो जाएंगी। स्टेज फोर में फिर सारा वही, अब हम इसमें रोस्टेड मीट्स ले सकते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल ऐड हो जाएगा। अब हम इसमें रॉ एग योक का गैप्स मिल्कशेक भी बना के ले सकते हैं, ठीक है। स्टेज फाइव आ गई आगे, उसमें हम कुछ और फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, और इसी तरह स्टेज सिक्स में आते आते मजीद चीज़ें। तो इसमें सिर्फ जो फ़र्क है वो ये है कि हम यखनी, ठीक है, लिक्विड से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे हमने अपनी गट को मौका देना है कि वो बिल्कुल भी उसको हमने ओवरबर्डन नहीं करना। उसमें सिर्फ सेमी सॉलिड्स और लिक्विड्स जाएंगे, और जितनी आप उस जो हमारी गट लाइनिंग है उसको मौका मिलेगा हील करने का, वो उतना उस टाइम पे सबसे ज्यादा इसी ड्यूरेशन में वो हील करेगी, ठीक, क्योंकि उसमें कोई ऐसे फूड आइटम्स नहीं आ रहे जिसको डाइजेस्ट करने के लिए गट को बहुत ज्यादा काम करना पड़े, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा, ये बहुत अच्छा फेज है जिसमें बहुत ज्यादा हीलिंग होती है। फिर हम स्लोली ग्रेजुअली चीजें इसमें ऐड करना शुरू कर रहे हैं। तो बेसिकली गैप्स इंट्रोडक्शन में ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। फुल गैप्स डाइट दूसरी टाइप है। फुल गैप्स डाइट में हमने सारी चीजें जो मैंने बताई जो हम गैप्स डाइट में ले सकते हैं, हम ये सब कुछ एक ही साथ शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती, ठीक है। अब फर्क क्या है कि हमें गैप्स डाइट इंट्रोडक्शन करनी चाहिए या हमें फुल गैप्स करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें पहले फुल गैप्स के कुछ बता देती हूँ कि क्यों हमें, कौन लोग हैं जो कि फुल गैप्स से स्टार्ट ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके सीरियस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स नहीं हैं, ठीक है, एडल्ट्स हैं जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, एंडोक्राइन हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, एलर्जीज हैं, तो जीआई सिम्टम्स उनके पर एज सच कोई सिवियर नहीं है, वो फुल गैप्स पे से स्टार्ट ले सकते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिन बच्चों को या एडल्ट्स को होती है वो भी फुल गैप से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि गैप्स इंट्रोडक्शन पे आप जब स्टार्ट लेते हैं तो मे बी आपकी कॉन्स्टिपेशन वर्स हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन पे भी आप फुल गैप्स पे स्टार्ट लेते हैं। अगर आपकी रूटीन बहुत बिजी है, ऑब्वियसली आप स्टेजेस को फॉलो ही नहीं कर सकते, तो फिर आप फुल गैप से स्टार्ट लेते हैं। जो बड़े बच्चे हैं ADHD हमारे पास, ऑटिस्टिक जिनके सिवियर GI इश्यूज नहीं हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में कुछ टाइम फुल गैप्स करेंगे, पर हो सकता है कि इन बिटवीन किसी टाइम पर जाके इनको गैप्स इंट्रोडक्शन करनी पड़े, ठीक है। हो सकता है कि फुल गैप से उतनी ज्यादा हीलिंग ना हो, तो फिर बीच में जाके भी किसी टाइम पर कुछ वक्त के लिए गैप्स इंट्रो पर जाया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली गैप्स इंट्रोडक्शन जरूरी है स्टार्ट लेना उन लोगों के लिए जो, जिन बच्चों को या एडल्ट्स को डायरिया या सिवियर GI प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो गैप्स इंट्रो से ही स्टार्ट लें। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, डायबिटिक्स के लिए, सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए, सिवियर फूड एलर्जीज के लिए, ठीक है, तो उनके लिए प्रेफर किया जाता है कि वो गैप्स इंट्रो से स्टार्ट लें। पर जैसे डॉक्टर नताशा कैंपल हैं, उनके प्रोग्राम में कोई उनकी तरफ से इस चीज़ की स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। ऑब्वियसली आपका जो भी प्लान बनता है वो आप पेरेंट्स से बात करके म्यूचुअली डिसाइड किया जाता है, और उसमें देखा जाता है। जैसे फुल गैप्स में एक ये है कि बिजी एडल्ट है, अगर वो बना ही नहीं सकता चीज़ें, वो इतना कर ही नहीं सकता कि वो 5-6 दिन के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ पे रहे और ये फिर आगे जाए, तो ऑब्वियसली फिर उनको भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो फुल गैप से स्टार्ट ले लें, ठीक है। और फिर आपका एक टाइम पीरियड है कि जब आपने 1.5-2 साल ये कर लिया, अब आपने गैप स्पेस से रिटर्न होना है, वापस आपने नॉर्मल डाइट की तरफ आना है। तो उसमें फिर हम न्यू पोटैटोज पहले अलाउ करते हैं, ग्रेन्स में बकवीट या किनवा पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। फिर नेचुरल अमाउंट ऑफ फैट्स बढ़ाई जाती है, इस तरह उसकी उसकी भी थोड़ी सी स्टेजेस हैं कि जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप नई चीज़ें ऐड करते जाते हैं, और इसमें फिर आपके वो डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स या वो बिहेवियर इश्यूज जो आपके साथ पहले रहे हैं वो दोबारा वापस नहीं आते, ठीक है। अगर किसी स्टेज पे वापस वो आने भी लगे तो आप वहां रुक जाते हैं और मे बी आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़े, ठीक। अलीना, इसमें अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर आपको ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो हर स्टेज है ये कितनी देर लास्ट करता है, और इसमें ये चीज मेंशन हुई थी कि अगर एक स्टेज पे आप कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं यू हैव टू गो बैक ऑन द स्टेज, तो किस किस्म के ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिनको पेरेंट्स अपने नजर में रखे कि अगर वो बच्चे में नोटिस कर रहे हैं या कोई खुद भी गैप्स डाइट करना चाह रहा है तो वो दोबारा से पिछली स्टेज पे वापस जा सके।
सो इसमें एक तो ये होता है कि जो स्टेज लास्ट करती जो है उसकी ड्यूरेशन कोई स्पेसिफाइड नहीं है, रफली 4 to 5 days होते हैं. ठीक है, होता ये है कि जब आप एक स्टेज पे होते हैं और अब आप जब आप उसके उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान स्टार्ट करते हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग वेल. ठीक है, जो सिम्टम्स आपके जो भी हैं, डाइजेस्टिव कंप्लेन्स हो या वो न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन्स थी, आपकी वो कंप्लेन्स बेटर होती हैं. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ये गैप्स इंट्रो क्यों, क्योंकि स्टेजेस हैं, तो हमने बताया कि जैसे सिवियर डायरिया और सिवियर जीआई सिम्टम्स हैं जिनके, वो स्टार्ट लेंगे तो आपके सिम्टम्स बेटर होना शुरू हो जाते हैं. आपके सिम्टम्स बेटर होना शुरू हो रहे होते हैं 4-5 दिन में, यू फील बेटरमेंट, आप आगे चले जाते हैं. आपने नई से नई चीजें ऐड करनी है. अब आपने फॉर एग्जाम्पल स्टेज टू पे आपने देसी घी ऐड किया और अगेन यू स्टार्टेड हैविंग डायरिया, या आपको ब्लोटिंग हो गई, या आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, तो आप रुक जाएंगे. आप देन पिछली स्टेज को फिर कुछ और दिन कंटिन्यू करेंगे. फिर जब दोबारा आप लेट्स से अब आपने 5 दिन की थी, अब आप 10 दिन करके जब आएंगे और स्टेज टू की चीजें जब ऐड करेंगे तो आपको कोई अगर बैड फीलिंग या बैड सिम्टम्स नहीं आते, जिसमें जीआई कंप्लेंट्स हैं और जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती है, तो बच्चे के जो जो बिहेवियर्स थे अगर वो इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, और अगर वही वर्स करते हैं तो आपको उसमें पीछे जाना पड़ेगा. एक और चीज इसमें आ जाती है, डाई ऑफ रिएक्शन भी. ठीक है, तो जब आप ऑब्वियसली हीलिंग डाइट की तरफ भी जाते हैं तो बैड बैक्टीरियल किलिंग तो भी शुरू होती है अगर आपने कोई एंटीबैक्टीरियल नहीं भी ऐड किया है. हमें उसका फर्क करना पड़ता है कि एक्चुअली आपको नॉर्मली डाई ऑफ रिएक्शन आ रहा है या फिर आपका कोई फूड एलर्जी, कोई सेंसिटिविटी थी, आपने कोई चीज ऐसी ले ली है जो आपको लेनी नहीं चाहिए थी. दो तरीके होते हैं डिफ्रेंशिएट करने के. एक तो ये है कि डाई ऑफ में आपकी जो प्रेजेंट कंप्लेंट्स हैं वो वर्स हो सकती हैं, वही वर्स होती हैं. ठीक है, और ये स्लोली डिवेलप कर रहा होता है, 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको लगेगा कि नहीं, और ये फॉर द टाइम पीरियड कुछ दिनों के लिए ही होगा, स्लोली डिवेलप होगा, प्रीवियस कंप्लेंट्स होंगी वो वर्स हो रही होंगी और देन ये फिर ठीक भी हो जाएंगी. अगर आपको कोई रिएक्शन आया है किसी फूड आइटम से तो वो ऑल ऑफ अ सडन इट डिवेलप्स वेरी फास्टली. ठीक है, और वो कोई नई नई चीज भी हो सकती है, वो इशू जो आपको पहले था नहीं. ठीक है, और इसको भी एक चेक करने का तरीका ये होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नताशा कि आप अपनी जो रिस्ट है उस पे रात को जो भी फूड आइटम आप टेस्ट करना चाहते हैं कि कहीं आप इससे सेंसिटिव या एलर्जिक तो नहीं है, तो आप उसके कुछ ड्रॉप्स लेकर उसे अपनी रिस्ट पे लगा लें. ठीक है, रात को लगा रहने दें और सुबह आप देखें, अगर वहां पे आपको रिएक्शन, रेडनेस, स्वेलिंग नहीं होती तो देयर आर प्रीटी मच चांसेस कि आप उससे इस तरह सिवियरली एलर्जिक नहीं है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को हाई हिस्टामिन का इश्यू होता है या जिन बच्चों में ऑक्सलेट्स का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जरा जो डाइट यूज हो रही है वो हाई हिस्टामिन और हाई ऑक्सलेट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या इस डाइट को प्रिकॉशंस के साथ क्या वो ले सकते हैं या उसका कोई और तरीका होगा? और साथ एक और क्वेश्चन भी है कि पीछे मैं देख रही थी स्लाइड पे कि जब दोबारा 1.5 साल करने के बाद गैप्स डाइट हो, अब दोबारा ग्रेन्स ऐड कर रहे हैं तो ग्लूटेन फ्री ग्रेन से ऐड करना शुरू किया है, तो वो जीएफ ग्रेन से ही ऐड करेंगे, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर आप गैप्स डाइट कर भी लेते हो तो भी यू कैन नॉट गो बैक टू ग्लूटेन बेस्ड डाइट? ये प्लीज बताइएगा. ओके, आपने हिस्टामिन का मुझसे पूछा और एक और ऑक्सलेट्स का पूछा. अच्छा, एक तो मैं इसमें बता दूं कि हम इनिशियली बहुत टाइम तक जो है वो गैप्स में मीट स्टॉक्स यूज होती है, बोन ब्रॉथ बहुत लेटर स्टेज में आता है, तो जिस टाइम तक आपका बोन ब्रॉथ आता है ना उस टाइम तक तो आप काफी हीलिंग कर चुके होते हो. जो मीट स्टॉक्स हैं उनको बहुत कम टाइम के लिए पकाना होता है, मीट स्टॉक्स में हाई हिस्टामिन नहीं रिलीज होता और ना ही वो हाई ग्लूटामिन होती है, ग्लूटामेट होती है. ठीक है, सो मीट स्टॉक्स पे आपको एक तो हिस्टामिन रिएक्शंस नहीं आते. सिमिलरली अगर ऑक्सलेट की बात करें, क्योंकि हम इसमें जूसेस की बात कर रहे हैं जो कि ग्रीन लीफी हैं, ठीक है, सो उसमें भी जो डॉक्टर नताशा के अकॉर्डिंग जो वो कहती है वो यही पॉइंट है कि एक तो जो हम इसमें जूसिंग कर रहे होते हैं ना उसमें हम एक एक चीज नहीं यूज कर रहे, वो कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, लाइक अगर आपने स्पिनच ली है तो उसके साथ बाकी अगली जो 3-4 चीजें होंगी उसमें किसी में भी हाई ऑक्सलेट नहीं होगा. ठीक है, वो फ्रूट होगा, वो कोई वेजिटेबल होगी. तो नंबर एक, इस तरह आप बहुत ज्यादा हाई ऑक्सलेट्स पर नहीं जा रहे होते. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज दिस कि चाहे वो ऑक्सलेट्स हों, चाहे वो फिनॉल्स हों, चाहे वो हिस्टामिन हो, डॉक्टर नताशा ये कहती हैं कि जिस तरह हमने इंट्रो स्टेजेस की बात की, उस स्टेजेस पे
आपकी इतनी ज्यादा हीलिंग हो चुकी होती है कि ये जो फूड आइटम्स है ना जिनमें लाइक हिस्टामिन फिनॉल्स एंड ऑक्सलेट्स, ये दो तीन चीजें आपकी ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट आप कह लो सारे ही फूड आइटम्स हैं, कुछ में फिनॉल्स होंगे, कुछ में ऑक्सलेट्स होंगे, कुछ में वजह से हिस्टामिन ट्रिगर हो रहा होगा, तो एक्चुअली आप 100% इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. सो अगेन घूम फिर के उनका उनका स्टांस यही है कि जब आपकी गट लाइनिंग हील हो जाती है तो एक्चुअली ये इनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है. ठीक है ना, आप स्टेज बाय स्टेज जब हीलिंग की तरफ जा रहे हो तो हाँ, फिर भी अगर आपने कोई चीज इंट्रोड्यूस की किसी टाइम पर और उस बच्चे ने रिएक्ट किया, अगर आपको हिस्टामिन सेंसिटिविटी फील हुई जिस भी फूड आइटम पे होगी, आप उसको रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए एंड देन यू विल री इंट्रोड्यूस. ठीक है, सो हर चीज के लिए एक गाइडलाइन मौजूद है. तो ये तो एक ये हो गया. एंड देन अगेन मीट स्टॉक्स में ज़्यादा उससे हाई हिस्टामिन ट्रिगर नहीं होता. ठीक है, और दूसरा सवाल ये था कि जब हम गैप्स से वापस नॉर्मल की तरफ आएंगे, सो एक्चुअली सिर्फ उसमें सिर्फ एक ये एक दिस इज जस्ट अ प्रिकॉशन कि जब हमने स्टार्ट लेना है तो हमने ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं कर देना ना कि अब हम शुरू हो गए ब्रेड्स और रोटियां और चावल, सिर्फ इसलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए और ये देखने के लिए. देखिए गैप्स की जो है ना ड्यूरेशन ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी. ठीक है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हो सकता है कोई जल्दी हील कर जाए, तो हमने स्टेप बाय स्टेप जब वापस आना है तो हम जब ये चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे और अगर एक बंदा अगेन ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स पर भी रिएक्ट कर जाए तो दैट मींस कि यू हैव टू स्टे ऑन योर गैप्स फॉर मे बी फ्यू मोर मंथ्स. ठीक है, सो जिस तरह हमने इंट्रोड्यूस किया है हम वापस भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. जिस स्टेज पे जाके हो सकता है कि आप वो बंदा ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स अब आसानी से ले ले, ठीक है, और उसके बाद वो ग्लूटेन ग्रेन्स नहीं ले पा रहा जिसमें ग्लूटेन है, तो वो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स पे रहेगा कुछ और टाइम वेट करेगा गट हील होने का एंड देन वो जाएगा ग्लूटेन ग्रेन्स के ऊपर भी. थैंक यू वेरी मच. ओके, मैं आगे चलूं? हम क्वेश्चन सारे एंड पे लेंगे एक ही दम. ठीक है, सो ऑटिज्म की एक और उसमें कंफ्यूजन होती है कि ऑटिज्म और डेयरी, मतलब हम तो कैसीन फ्री बताते हैं सबको कि आपने तो डेयरी नहीं देनी, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने कल्चर्ड या फर्मेंटेड डेयरी देनी है. ठीक है, तो कल्चर्ड डेयरी क्या चीज होती है और वो कैसे डिफरेंट है हमारी नॉर्मल डेयरी से, और दूसरी चीज है मिथ है लिवर के बारे में, क्योंकि डॉक्टर नताशा तो बहुत ज़्यादा जो है ना ऑर्गन मीट पे प्रिस्क्राइब भी करती हैं, उसको बहुत ज़्यादा सजेस्ट करती हैं. एंड तो लिवर जो है वो बताया जाता है कि सबको कि आप ज़रूर उसको यूज़ करें अपनी डाइट में, और फिर हम क्योंकि ऑलरेडी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पर होते हैं तो हमारे लिए मीट और ऑर्गन मीट्स हमारे लिए वैसे ही एक सोर्स है जो बच जाता है जो हमें यूज़ करना होता है. ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नताशा कैसे लिवर को हम क्यों यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो एक डेयरी पे बात करनी है, फिर लिवर पे करनी है, तीसरी चीज है वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल. ठीक है, ये तीन चीजें वो हैं जो पेरेंट्स की तरफ से बड़ी कॉमनली सिनेरियोस सामने आते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चंस भी हों आगे लोगों के. सो ऑटिज्म एंड डेयरी, अच्छा जी, उसमें क्या है कि ओके वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल से स्टार्ट करते हैं. तो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए बच्चों का? नंबर एक, इम्यून सिस्टम बच्चों का ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है. ठीक है, वैक्सीन की वजह से और डैमेज हो सकता है, तो हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तीन तरह से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. अगर कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी या गट डैमेज के साइन एंड सिम्टम्स बच्चों में या पेरेंट्स में हैं, ठीक है, तो हमें साइन एंड सिम्टम्स अगर हमें नज़र आ रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हम डिले कर सकते हैं वैक्सीन्स. ठीक है ना, अगर अगर हमें इम्यून कॉम्प्रोमाइज के साइन सिम्टम्स मिलते हैं पेरेंट्स में या उनके सिबलिंग्स में भी, तो हम डिले करेंगे. नंबर टू, अगर छोटे बहन भाई डायग्नोस्ड ऑटिस्टिक बच्चों के छोटे बहन भाई हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन उनकी डिले होनी चाहिए. ठीक है, नंबर थ्री, 5 साल की उम्र पे आके आप इन सारे बच्चों को दोबारा से असेस करें. अब इनका आपको कोई साइंस तो नहीं मिलते कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी के, इनका गट डैमेज के, इनकी डिवेलपमेंट प्रॉपर हो चुकी है. ठीक है, सो फिर आप इनके लिए 5 साल के बाद आप इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दें, पर एक वैक्सीन एट अ टाइम. ठीक है, नॉट द पेंटावेलेंट एंड हेक्सावेलेंट,
और एटलीस्ट 6 to 8 weeks अपार्ट, ठीक है। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो लोग पूछ रहे होते हैं कि बहन भाइयों के लिए क्या करें या अपने लिए क्या करें। सेकेंड चीज़, वैक्सीनेशन जो डिले होती है विद एसिम्टोमेटिक हेल्दी पेरेंट्स बट हैव एन इंसिडेंटल फाइंडिंग्स। ओके, अब क्या है कि आप बिल्कुल हेल्दी थे, आपको कोई नहीं पता था कि आपके साथ कोई इशू है, पर आपके बच्चे का कोई टेस्ट हुआ या आपका कोई टेस्ट हुआ, अब उसमें आपकी कोई लैब रिपोर्ट्स में कोई चीज़ आ गई कि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, या आपके बच्चे का कुछ आपके लैब रिपोर्ट से, तो फिर आप उस वक्त भी जो पहले मिल गई वो तो मिल गई, पर अभी आप उसको डिले कर दें, ठीक है। अगेन डिले का वही है कि कुछ अर्से के बाद रीअसेस करवा लें। अच्छा, अब हेल्दी इन्फेंट्स हैं जिनके हेल्दी पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनके टेस्ट भी नॉर्मल हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है, तो ये स्टैंडर्ड वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल ले सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के बहन भाई और पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, ये नॉर्मल वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल ले सकते हैं पर सिंगल वैक्सीन, ठीक है। तो एक चीज़ जो हम इसमें समझ लें इन ईजी वर्ड्स के, जब हमारा बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोज हो चुका है तो उसके जो सिबलिंग्स हैं, अगर तो कोई भी किसी भी किस्म का साइन एंड सिम्टम उनमें है, गट इश्यूज हैं, कोई भी डेवलपमेंटल डिले है, कोई भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि क्या साइन सिम्टम्स क्या होंगे, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार डायरिया हो रहा है, बार बार एस्थमा, चेस्ट इन्फेक्शंस, तो इनको आप 5 साल तक इनको इनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव कर लेने दें, इनको वैक्सीन ना करवाएं, ठीक है। ये डॉक्टर नताशा कैम्बल की गाइडलाइंस बता रही हूँ मैं आपको। नंबर टू, अगर इंसिडेंटली आपको मिल जाता है तो भी वहाँ रोक लें और बच्चे को नॉर्मल डेवलप होने दें। नंबर थ्री, सब कुछ ठीक है फिर भी सिंगल वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पेंटावेलेंट एंड हेक्सावेलेंट को अवॉइड करें, क्योंकि वो एक ही साथ आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने के बजाय आपकी इम्यूनिटी को डैमेज कर देते हैं। ओके, तो सेकंड थिंग, ओके, सो लिवर के बारे में और डेयरी के बारे में, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, सो लिवर के बारे में जो मैंने बताया था, क्या है कि लिवर डिटॉक्स करता है, लिवर में हमारे सारे इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस हो रहे होते हैं, टॉक्सिन्स को कॉन्जुगेशन हो रही होती है, सारा वेस्ट मटेरियल जो हमारे ब्लड से बना वो पहले लिवर में आता है और लिवर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके मेटाबोलाइज करके डिफरेंट और बॉडी ऑर्गन्स में भेज रहा होता है। तो एक्चुअली लिवर का ये फंक्शन है, बट लिवर टॉक्सिन्स को स्टोर नहीं कर रहा होता, ठीक है। लिवर अपना काम करेगा, उसने कॉन्जुगेट करना है, ब्रेक डाउन करना है, उसने सॉल्युबल बनाना है डिफरेंट केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को, और उसने भेज देना है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। वो लिवर के अंदर स्टोर नहीं होते, सही। तो इसलिए हम लिवर को सिर्फ इस वजह से ये नहीं कह सकते कि जी लिवर में तो टॉक्सिन्स आते हैं सारी बॉडी के, तो हम तो लिवर नहीं खाना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नताशा। अब इसकी सेम एग्जांपल यही है कि किडनीज हैं, किडनीज में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, अगर किडनी में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है पर स्टोर तो नहीं हो रहा होता, और वो प्रोड्यूस कर रही है पर उसका ताल्लुक ये तो नहीं है कि हम किडनीज खाएंगे तो उदाना खास्ता हम यूरिन भी अपने इनटेक में ले रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा एक और इसका जो एविडेंस है वो ये भी है कि अगर ये चीज़ें वाकई जो ऑर्गन मीट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लिवर और किडनी, तो अगर वाकई इस तरह का कुछ इनका रोल होता तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें हमारे लिए हलाल भी नहीं करार दी गए होते, ठीक है, हम इनको यूटिलाइज कर ही ना पाते। इम्पॉर्टेंस लिवर की ये है कि इसमें बहुत से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स, वाइटामिन बीज, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके लिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स है उनके लिए, ठीक है, नेचुरल सोर्स है। अच्छा जी, डेयरी की बात करते हैं। डेयरी और ऑटिज्म का ताल्लुक ये है कि जो गैप्स में डेयरी यूज़ हो रही है, एक्चुअली उसे हम कल्चर या फर्मेंट करते हैं, ठीक है। उसमें जब फर्मेंटेशन प्रोसेस है जिसमें हम वे होता है, अगर आप दही लें और उसको किसी मलमल के कपड़े में आप डालें और उसको हैंग करें, तो जो पानी के ड्रॉप्स उसमें से निकलेंगे, दही का जो पानी, उसको हम वे कहते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं, या तो वे या फिर थोड़ा सा दही लेकर, ठीक है, या स्टार्टर्स भी मिलते हैं,
या कीफर भी यूज होता है, तो अगर आप ये थोड़ा सा दूध में डाल देते हैं तो दूध फर्मेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें लाइव बैक्टीरिया हैं, लाइव एंजाइम्स हैं, वो फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया आपका जो दूध है ना उसमें जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो अब बैक्टीरिया ने लैक्टोज तो ख़त्म कर दी दूध में से, जो कि एक हाई कार्ब शुगर है। अब दूसरी चीज़ बची कैसीन, कैसीन प्रोटीन है, तो यही फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है कैसीन को प्री डाइजेस्ट कर देता है। तो कैसीन जो है वो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी सिवियरिटी वो वैसी नहीं रहती जो कि एक नॉन फर्मेंटेड डेयरी में होती है, ठीक है। तो कैसीन लो हो जाती है, काफ़ी हद तक लो हो जाती है, जो रिसर्च पेपर्स है उसमें बता उसमें तो मेंशन उन्होंने किया हुआ है कि बहुत हद तक। तो दैट मींस कि हम जो फर्मेंटेड डेयरी दे रहे हैं अब उसमें एक्चुअली हम वो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स का, वो बहुत अच्छा सोर्स है नेचुरल बैक्टीरिया का, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें फिर हमें चाहिए हमारी गट हेल्थ के लिए, ठीक है। तो जो डैमेजिंग चीज़ है वो उसमें से हाई शुगर है वो भी ख़त्म हो गई, और कैसीन है जो काफ़ी हद तक कम हो गई, ना होने के हद तक रह गई, ठीक है। तो फर्मेंटेड डेयरी में दूध है, दूध को भी फर्मेंट किया जाता है। नंबर टू फर्मेंट डेयरी की टाइप एक योगर्ट है, डायरेक्टली योगर्ट जो हम बनाते हैं। क्रीम को लेके, क्रीम में आप कुछ ड्रॉप्स वे के डाल दें, सार क्रीम बन जाती है। सार क्रीम हमारे पास ऑप्शन है, चीज़ हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम फिर गैप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये वो फ़र्क है जो GFCF का और गैप्स में डेयरी इंक्लूड करने का एक डिफरेंस है। ओके, सो देयर्स वन मोर थिंग, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी हम गैप्स टाइप प्रोटोकॉल्स बनाते हैं तो इसमें वन साइज डजंट फिट्स ऑल। आप नॉट जस्ट इन गैप्स, बल्कि मैं आपको ये GFCF या किसी और डाइट पर भी ये बात कहूँगी कि आपको आपका डॉक्टर या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट एक स्पेसिफिक डाइट प्लान या रेसिपी प्लान नहीं बना के दे सकता, या एक रिजिड डेली प्लान आप खुद भी शायद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें डिपेंड करता है आपकी रूटीन क्या है, आपके बच्चे की चॉइसेस क्या हैं और अवेलेबिलिटी क्या है। एक बंदा पाकिस्तान में है उसके लिए डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस है। अगर डॉक्टर नताशा से आप UK में बैठ के यहाँ के लिए प्लान बनवाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें 50% से ज़्यादा चीज़ें वो होंगी जो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। सो आपको अपनी लिस्ट पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं अलाउड हैं, ये चीज़ें नहीं अलाउड, एंड देन देयर आर बेसिक रेसिपी बुक्स, वो आपके पास हों। आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, वो आपको गाइड करेगा। सो आपको खुद ब खुद उसको कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन क्या है कि जब आप डाइट पर जाते हैं आपके नॉर्मल सेंसेस जब वापस आना शुरू होते हैं, आपका टेस्ट, आपकी स्मेल, आपके बच्चों के साथ भी ऐसा है, फूड डिज़ायर, तो जिस चीज़ के लिए अलाउड फूड आइटम्स में से जिस चीज़ के लिए ज़्यादा डिज़ायर हो उस चीज़ को बढ़ाएं। हो सकता है कि कोई बच्चे हैं जो कि मिल्क शेक्स उनको ज़्यादा पसंद आ रहे आने लग जाएं, हो सकता है कुछ बच्चों को जूसेस ज़्यादा पसंद आ रहे हों, हो सकता है कुछ बच्चों को मीट स्टॉक्स ज़्यादा पसंद आ रहे हों, ठीक है। और हो सकता है इसमें से एक चीज़ वो बिल्कुल टोटली बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दें, तो हमें कुछ अर्सा उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओकेजनल चीटिंग अलाउड है, ठीक है, और अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं हीलिंग प्रोसेस में, तो इस चीज़ को भी आपको जैसे समझ आएगी। फॉर एग्जांपल आज हमने जितना डिस्कशन किया है मुझे लगता है कि इसमें लोगों को कुछ तो समझ आई होगी कि ये इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है, और इस पर उस तरह की शायद सीवियर अगर कोई इश्यूज आते हैं तो मेरा ख्याल है अगर आप कोई भी चीज़ बगैर प्रॉपर नॉलेज के अपने ओन पे करते हैं और आपको नहीं पता कि इसके आगे और पीछे आपने कैसे जाना है, इसके आपने कैसे बैकवर्ड मूव करना है, कैसे फॉरवर्ड मूव करना है, तो शायद मुझे लगता है यही वो चीज़ें हैं जो आपकी जर्नी को डिफिकल्ट कर देती हैं। सो ये तो जो बेसिक मैंने चीज़ें बताई सारी, मैंने तीन आपको पार्ट्स बताए थे कि एक तो गैप्स न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल है जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया, जिसकी मेजर चीज़ें। सेकंड थिंग इज सप्लीमेंटेशन, एंड थर्ड थिंग इज लाइफस्टाइल चेंजेस। तो सप्लीमेंट में क्या क्या सप्लीमेंट हैं जो कि डॉक्टर नताशा इस डाइट पे रहते हुए प्रेफर करती हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स सजेस्ट करती हैं, बहुत अच्छी प्रोबायोटिक्स। कुछ लाइक अगर आप गैप्स इंट्रो पे हैं तो फिर उसमें कोशिश होती है कि आप नेचुरल फूड ज़्यादा लें, उससे आप प्रोबायोटिक्स लें। पर अगर आप कंप्लीट गैप्स डाइट पर हैं तो उसमें प्रोबायोटिक्स ऐड होती हैं, एटलीस्ट
कम से कम हम लोग जिस तरह जो प्रोबायोटिक्स यूज कर रहे होते हैं, कोई अपने बच्चे को एक कैप्सूल दे रहे होते हैं या दो, पर पांच पांच से छह छह कैप्सूल्स भी डेली यूज किए जाते हैं, और 6 months to 1 year एटलीस्ट. प्रोबायोटिक्स ही वो चीज है, गुड बैक्टीरिया आपकी डाइट से हो या फिर वो सप्लीमेंट के थ्रू हो, यही सारा गेम चेंजर है. कॉड लिवर ऑयल है, विटामिन ए डी इनरिच्ड होता है, ठीक है, कॉड लिवर ऑयल यूज हो सकता है. इसेंशियल फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, जो हमें इन एनी केस हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते. तो इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 भी है. कुछ डॉक्टर्स ओमेगा 6 को अवॉइड करते हैं, उसकी रीजन मैं आपको बता देती हूँ क्यों. ओमेगा 3 के डेरिवेटिव्स हैं ईपीए डीएचए, जो हमें चाहिए होता है, हम लोग ऑलरेडी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए यूज भी करते हैं फिश ऑयल्स. सो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस बहुत जरूरी है 2:1 ratio में, ठीक है. सो अगर आप सप्लीमेंटेशन जब कर रहे हैं, सो यू शुड बी वेल अवेयर कि ओमेगा 3 आपका ज्यादा होना चाहिए और ओमेगा 6 उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है. तो ओमेगा 3 के नेचुरल सोर्सेज हैं अल्फा लिनोलिक एसिड है, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट होता है ओमेगा 3 का. फ्लैक्सीड ऑयल से भी मिलता है, हेम्प ऑयल से, हेम्प से, चिया सीड से, एग इज अ सोर्स. ओमेगा 6 का सोर्स नेचुरली देखा जाए तो सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, नट्स बहुत सारे, एग है, और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है, जो कि सप्लीमेंट्स में, जो कि आपको हेल्प करता है एज अ सोर्स ऑफ ओमेगा 6. सो ओमेगा 6 की एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें अरेकिडोनिक, ये अरेकिडोनिक एसिड को भी प्रोड्यूस करता है, और अरेकिडोनिक एसिड वो अमाइनो एसिड है जो कि हमारे ब्रेन का 12% बनाता है, जो कि मोस्ट अबेंडेंट अमाइनो एसिड है हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में, सॉरी. सो अगेन आपको ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 की भी ज़रूरत है. आयोडीन पेंट्स यूज़ किए जाते हैं, आयोडीन डेफिशिएंट बॉडीज होती हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से. आयोडीन सप्लीमेंट्स, आयोडीन मिलते हैं लिक्विड्स बॉटल्स में. सिंपल उसका यूज़ करने का तरीका होता है, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. आप अपने हैंड पे या बॉडी पे कहीं भी एक पैच बना देते हैं, रात को सोते वक्त पेंट कर देते हैं, और मॉर्निंग में आपकी बॉडी ने जितना लेना होता है वो ले लेती है. अगर तो वो पैच गायब है तो आप डेली वो आयोडीन पेंट लगाते जाएं, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन. और अगर वो पैच उस जगह पे रह जाता है तो अगले दिन ना लगाएं, ठीक है. फिर आप अगले दिन एक दिन छोड़ के लगा लें, अगर वो वहीं पे मौजूद है. तो इस तरह आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी की नीड्स क्या है, ठीक है. आप 2 दिन का गैप भी दे सकते हैं डिपेंडिंग के, अगर वो वहीं परसिस्ट करता है, और अगर डेली बेसिस पे वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है तो डेली बेसिस पे आप लगाते जाएं, इसकी एक्सेस नहीं होती. डाइजेस्टिव एंजाइम्स यूज होते हैं ऑब्वियसली, जो गैप्स पेशेंट्स हैं दे हैव डिक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन इन देयर बॉडीज. सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अलॉन्ग विद HCL ये भी यूज होते हैं. स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेस्ट करवाए हैं आपकी, या बच्चा आप विजिबली आयरन डेफिशिएंट है, जिंक डेफिशिएंट है, कैल्शियम डेफिशिएंट है, या कोई और कंडीशन ऐसी साथ चल रही है जिसके लिए कोई सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, तो वो भी ऐड होते हैं. आयोडीन पेंट के बारे में ये डिटेल्स हैं. ओके, सो स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स में अगर बच्चे को सिवियर ओसीडीज हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है, सो उसके लिए सेरोटोनिन बूस्टर्स भी यूज हो सकते हैं, ठीक है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, फोलेनिक एसिड, ट्रेस मिनरल्स भी ऐड होते हैं, और डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन बूस्टर्स हैं वो भी यूज होते हैं, गाबा बूस्टर भी यूज होता है. सो फॉलो अप सप्लीमेंट्स, कितने अरसे तक सप्लीमेंटेशन आपने करनी है. ऑब्वियसली आपके जो जो भी बेसिक सिम्टम्स थे वो आपके रिजॉल्व हो जाएं तो आपको सप्लीमेंटेशन स्टॉप करनी है. कोशिश करना है कि आप नेचुरली ही हील करें बॉडी को, ठीक है. वॉर्म्स का भी प्रॉब्लम होता है काफ़ी ज़्यादा, वॉर्म्स के लिए भी मेबेंडाजोल यूज़ की जाती है, हर्ब्स यूज़ की जाती हैं, एलआईसीन फॉर वायरल इन्फेक्शंस, ठीक. सो ये सीवीड है, सीवीड जो है वो आयोडीन रिच है, सो वो भी यूज़ होती है, उसका सप्लीमेंट भी यूज़ होता है. सो द लास्ट पार्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस. अब इसमें एक दो चीज़ें मैं और यहाँ पे ऐड करूँ. फॉर एग्जांपल, मेटल्स का बड़ा रोल है न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में, स्पेशली ऑटिज्म में. मोल्ड टॉक्सिसिटीज का बहुत ज़्यादा रोल है. सो क्योंकि आपके मेटल्स भी, आपके वायरल इन्फेक्शंस भी, आपकी मोल्ड टॉक्सिसिटीज भी, ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करती हैं, एंड देन दे डैमेज
योर गट एज वेल. तो फिर आपकी जो गैप्स डाइट है बेसिकली इट्स अ टोटल लाइफ स्टाइल चेंज. सो ये आपको कोर इश्यूज जो आपके जितने हैं बेस लाइन पर बेसिक्स पे आपके एक्ट करता है, और आपको रूट कॉज जिसमें अगर मोल टॉक्सिसिटीज भी हैं और हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटीज भी हैं तो वो आपको वहाँ पर भी हेल्प करता है. ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने हैवी मेटल डिटॉक्स भी साथ करना है तो हमें जूसेस ज़्यादा यूज करने पड़ते हैं. ठीक है, डॉक्टर नताशा जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड किलेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, और उनके हिसाब से अगर आप प्रॉपर गैप्स डाइट प्रोग्राम लेके चलते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद जूसेस की हेल्प से डाइट की हेल्प से नेचुरल डिटॉक्स स्टार्ट कर देती है मेटल्स का भी. और ऑब्वियसली जब आपका गट फ्लोरा रेप्लेनिश होगा तो बैड बैक्टीरियाज, फंजाइज, मोल्ड, कैंडिडाज, वायरल इन्फेक्शंस ये सब खुद ब खुद ख़त्म होंगे क्योंकि आप इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे होंगे अपनी. ठीक है, सो डिटॉक्सिफिकेशन का क्या रोल है? हमारे चारों तरफ पोल्यूशन है, फ्यूम्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पेस्टिसाइड हैं, पर्सनल केयर जो हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं दे आर फुल ऑफ टॉक्सिन्स एंड मेटल्स. जो जानवर हैं उनको एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, उनको स्टीरॉइड्स मिल रहे हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस हैं, पेंट्स हैं, इन सब के अंदर हम रह रहे हैं. ठीक है, सो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम बेसिकली कोलैप्स कर चुका होता है. और फिर आपका जो गट है वो खुद टॉक्सिसिटी का सोर्स बन चुका होता है, तो गैप्स प्रोग्राम आपको हेल्प करता है. फिर आपका जनरल टॉक्सिक लोड आपने कम करना है साथ, ठीक है, डाइट के. उसमें क्या है, कमर्शियल क्लीनर्स को कम से कम इस्तेमाल करें. आप लेमन विनेगर या सोडा बाइकार्ब यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस, फ्रेश जूसेस यूज़ करें. अगेन उनका सोर्स भी अच्छी वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, या फिर खुद ग्रो करें अपनी जितनी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं आप. ठीक है, इप्सम सॉल्ट बाथ हैं, सी सॉल्ट बाथ हैं, सी वीड बाथ हैं, सोडा बाइकार्ब बाथ हैं, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर के भी कुछ ड्रॉप्स या हाफ टी स्पून अपने बाथटब में ऐड कर सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेटेड हाउस होना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ इंतज़ाम आप करें वेंटिलेशन के लिए कि किस तरह आप अपने घर को प्रॉपर वेंटिलेटेड रख सकते हैं. इनडोर प्लांट्स रखें, स्पाइडर प्लांट्स हैं, एलोवेरा है, आईवीज हैं, ये ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, स्पेशली आपके बेडरूम्स में, स्पेशली आपकी वाईफाई डिवाइसेस के पास. ठीक है, जहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी सॉकेट्स हैं या वाईफाई बूस्टर्स हैं, वाईफाई डिवाइसेस हैं, वहाँ पे ज़रूर हों ताकि ये मैक्सिमम जितना वहाँ पे ये रोल अपना प्ले कर सकते हैं रेडिएशंस को काउंटरेक्ट करने में तो ये करें, हेल्प करें. सन बाथिंग ज़रूरी है, स्विमिंग बहुत हेल्प करती है, बट नॉन क्लोरिनेटेड वाटर हो, नॉन पोल्यूटेड वाटर हो. मैन मेड रेडिएशंस को जितना अवॉइड करना, ऑब्वियसली ये तो हम आगे ही नहीं जा सकते अगर हम ये एक्सप्लेन यहाँ पर ये बात का जिक्र ना करें कि हमें स्क्रीन भी अपनी ज़ीरो करनी है, बच्चों की अपनी, इवन के एडल्ट्स भी मिनिमाइज करें वाईफाई एक्सपोजर. ठीक है, एनिमल्स के साथ कॉन्टैक्ट, इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी. बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया है, हॉर्स के साथ, डॉग के साथ पेट्स रखना. ठीक है, बट अगेन वो डीवॉर्म हुए हुए ज़रूर हों. ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इनटेक. सो जब आपका डिटॉक्स सिस्टम स्ट्रांग होगा, रिकवर करेगा विद ऑल ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, तो आपके हैवी मेटल्स भी नेचुरली रिमूव होना शुरू होंगे. ओके, सो जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ओवरबर्डन होता है, बेसिकली उसमें बॉडी क्या कर रही होती है? डॉक्टर सना, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, ये जो स्ट्रीम यार्ड का एक स्ट्रिप सी आ रही है, इसको नीचे कर ले, स्टॉप शेयरिंग जिस पर लिखा. ओके, इसको नीचे, इज दैट फाइन? हां, या हाइड करिएगा इसको अगर हाइड. ठीक है, सो जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ओवरबर्डन है, वो अपनी डेली रूटीन के काम कर रहा है, उसमें उसके ऊपर बर्डन आता जा रहा है, टॉक्सिन्स आते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है जी, वो उन फंक्शंस को तो कर नहीं पा रहा, वो स्टोर करना शुरू कर देता है, टॉक्सिन्स को स्टोर कर रहा है, मेटल्स को स्टोर कर रहा है, और ये सारे स्टोर होते हैं आपके फैट्स, बॉडी फैट्स में, जिसमें ब्रेन भी है, क्योंकि ब्रेन इज ऑल्सो मेड ऑफ फैट्स मोस्टली. तो ये आपके फैट ऑर्गन्स में स्टोर हो रहे होते हैं, आपके ब्रेन में स्टोर हो रहे होते हैं. ठीक है, सो जब आप एक तो उसका ओवरबर्डन, ये सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज करेंगे, आपका डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम को सांस लेने का मौका मिलेगा, तो वो अपने फंक्शंस नॉर्मली करना शुरू कर देगा.
सो रिड्यूस जूसिंग की भी बात होगी। हाँ, जूसेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जूसेस में हम कोई भी जो हमारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं, स्मूदीज बना सकते हैं। गैप्स मिल्क शेक बनता है जिसमें रॉ एग्स, एग योक्स और सार क्रीम भी ऐड होती है, कोकोनट ऑयल भी ऐड होता है। ठीक है, गैप्स मिल्क शेक आपको हेल्प करता है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो जूसेस में बस वही हमने स्टार्ची वेजिटेबल्स या जो स्टार्ची वेजिटेबल्स को बेसिकली अवॉइड करना है। फ्रूट हम हर किस्म का ले सकते हैं, प्रेफरेबली अगर हम राइप फ्रूट यूज करें फ्रूट्स में, जैसे बनाना है तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पर हम रॉ भी यूज कर सकते हैं। तो पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो हमें डिटॉक्स में हेल्प करती हैं, तो वो जरूरी है कि 50% तो हमारी वो चीजें जरूर हमारे जूस में हो। फॉर एग्जाम्पल, कैरेट्स हैं, ग्रीन्स हैं जिसमें स्पिनच हो सकता है, ठीक है, बीट रूट है, कैबेज है, सेलरी है, तो ये तो जरूर हो। बाकी 50% आप चीजें डाल सकते हैं बच्चे के लिए, उसके टेस्ट डेवलप करने के लिए। एप्पल है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज, मैंगो, वट एवर, कोई भी और सीजनल फ्रूट। बेरीज भी अलाउड है, एनी काइंड ऑफ बेरीज, ठीक है, वो भी अलाउड है गैप्स पे। ओके, तो एक इसमें बस कॉन्स्टिपेशन पे बात करना मेरा ख्याल है रह गया है। काफी सारे सवाल आते हैं, अगेन उसकी भी रीजन जो है वो यही है कि योर गट इज डिप्राइड ऑफ गुड फ्लोरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो ई कोलाय है या बिफिडो बैक्टीरियम है, वो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं, वो हेल्प करते हैं आपकी गट लाइनिंग को, स्टूल पैसेज के लिए। अगर आपको सिवियर कॉन्स्टिपेशन है आपके बच्चे को, तो आप उसमें हाई प्रोटीन डाइट जो है ना वो अवॉइड करें। ठीक है, उसमें आप योगर्ट या कीफिर वगैरह ना दें, ठीक है, पर हाई फैट्स डाइट जरूर दें। ठीक है, उसमें ऑयल्स भी हो सकते हैं, आप सार क्रीम यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप देसी घी ऐड कर सकते हैं, आप कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल है वो यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं। ठीक है, गैप्स मिल्क शेक आप यूज करें ताकि आपका बाइल फ्लो बेटर हो, क्योंकि आपका ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल फ्लो वो भी एक कॉज है कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, वाटर इनटेक ऑब्वियसली ज़्यादा होना चाहिए। जब आप मीट स्टॉक्स बनाएं, मीट्स लें, तो उसमें जो जो मसल मीट है वो वाला पार्ट कम कर दें, और जो जिलेटिनस मीट होता है वो ज़्यादा लें। ठीक है, कार्टिलेजनस पार्ट ज़्यादा होना चाहिए। सप्लीमेंट्स में स्पिरुलिना है, क्लोरेला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैस्टर ऑयल ओरली भी ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल टॉपिकली भी लगा सकते हैं। अगर एक बच्चा बार बार कॉन्स्टिपेटेड होता है, तो टेम्प्रेरी रिलीफ के बाद आप इन रूटीन कैस्टर ऑयल पैचेस यूज करते रहें कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है, एब्डोमेन पे, ताकि ये कि वो उसको हेल्प करे और वो बार बार ना कॉन्स्टिपेटेड हो। ठीक है, बीट रूट जूस, बीट रूट डाइट में भी ऐड हो सकती है और एनेमास में भी ऐड हो सकती है, ठीक है, टू रिजॉल्व कॉन्स्टिपेशन। एनेमास, ठीक है, एनेमा हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, पर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नताशा, एनेमा आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है। ठीक, अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, हम इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, हम डेली बेसिस पर भी दे सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होती है कि इनिशियली बच्चे को बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, पर जब एक बार बच्चे को समझ आ जाती है कि क्या प्रोसेस है, और जब एनेमा के थ्रू आप आपके बच्चे का स्टूल एक्सक्रीट आउट होता है, और स्पेशली वो बच्चा जो कि बहुत क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड है, तो उसके सारे टॉक्सेंस, कॉम्पैक्टेड स्टूल, ये सब कुछ जब रिमूव होता है, तो वो बहुत रिलैक्स भी फील करता है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जो इतना रिलैक्स फील करते हैं कि फौरन एनिमा देने के बाद वो एक बहुत डीप स्लीप में चले जाते हैं, और उनको इस चीज़ की भी अंडरस्टैंडिंग आती है कि दे आर फीलिंग बेटर, सो वो फिर कॉपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू में हो सकता है आपका एक दो एक्सपीरियंस आपके लिए थोड़े से टफ हो, पर आप बच्चे को स्क्रीन दे के किसी भी चीज़ से, या बच्चा जब सो चुका है, डिपेंडिंग कि उसका क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उस तरह उस टाइम पे एनिमा यूज कर सकते हैं। एनिमा आपको हेल्प करता है जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, तो उनकी गट में कॉम्पैक्टेड स्टूल होता है, ठीक है, वो आपकी गट लाइनिंग पे साइड्स पे चिपका रहता है, उस पर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती रहती है। आप डेली बेसिस पे कभी कभार मे बी स्टूल आपका बच्चा पास कर भी रहा है, पर इवन देन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन अगर उसको थी, तो वो कॉम्पैक्टेड स्टूल मौजूद है, उस पर जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है वो होती रहेगी जब तक वो कॉम्पैक्टेड स्टूल ना जाए। तो एनेमा इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एज वेल। जब आप एनेमा देते हो, तो वो जब प्रेशर से स्टूल एक्सक्रीट आउट होता है, तो उससे कॉम्पैक्टेड स्टूल भी निकल आता है। ठीक है, सो 2 साल से ऊपर बच्चों के लिए हम एनेमा यूज कर सकते हैं।
सही। और जो 3 साल से बच्चे हैं, हम बल्ब सिरिंज एनेमा भी होता है, एनेमा बकेट भी होती है। वार्म माइल्ड वार्म वाटर हम ले लेते हैं, ठीक है, वो उसमें डालेंगे एनेमा किट में, और उसमें हम प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। सो एक और जो फंक्शन एनेमा का हुई है वो ये है कि आप डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टीन में आप प्रोबायोटिक इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है, थ्रू एनेमा। कॉफी एनेमा यूज होते हैं बड़े बच्चों में, एडल्ट्स में, और कॉफी एनेमा का बहुत बड़ा रोल है लिवर को डिटॉक्स करने में, मेटल्स को डिटॉक्स करने में, और इट्स अ वेरी गुड पेन रिलीफ एज वेल। ओके, सो नेचुरल, अगर मेटल क्लेशन में कोई इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली गैप्स डाइट प्रोटोकॉल है, फ्रेशली प्रेस्ड वेजिटेबल फ्रूट जूसेस हैं, गैप्स मिल्कशेक का मैंने बताया, fermented food, seaweed, probiotics, humic fulvic acid as a supplement. So natural mineral supplements, ये सब आपको help करते हैं natural metal chelation के लिए। जी अलीना। Thank you so very much, Dr. Sana. इतना comprehensive आपने सारी details बताई है। I'm sure के parents को काफी हद तक इस चीज का अब idea हो चुका होगा कि किस तरीके से हमने gaps diet को करना है। अब इन मैं क्वेश्चंस हैं कुछ पेरेंट्स के, वो मैं वन बाय वन लेती हूँ, प्लीज आपकी स्क्रीन पे भी मैं शेयर करूँगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी डाइट इंग्रेडिएंट्स थिंग्स टू इंप्रूव इम्यूनिटी इन सिबलिंग्स ऑफ ऑटिस्टिक किड्स। ऑटिस्टिक किड्स के सिबलिंग्स में आई वुड सजेस्ट कि हमें रिस्ट्रिक्टिव डाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन डिपेंड करता है इफ़ दे आर सिम्टमैटिक और एसिम्टमैटिक। अगर तो सिम्टम्स हैं तो गो विद द सिम्टम्स। इफ़ दे आर एसिम्टमैटिक, अगेन आई वुड सजेस्ट कि जो नॉन प्रोसेस, जो हमने जनरल गाइडलाइंस शेयर की हैं डाइट के लिए, जिसमें नो जंक फूड, नो प्रोसेस फूड, नो प्रोसेस बटर्स, नो प्रोसेस मार्जरीन, ये वाली सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है उनके सिबलिंग्स के लिए भी होना चाहिए, इवन पेरेंट्स के लिए भी होना चाहिए। लॉट ऑफ देसी घी, होममेड बटर, ठीक है। व्हाट कैन बी यूज फॉर एंजाइटी? ओके, फॉर एंजाइटी, ओके, सो इफ इट्स अ एडल्ट, जिसमें हमने बताया कि गैप्स एडल्ट जो हैं उनका सिम्टम होता है एंजाइटी, डिप्रेशन, सो हम उसके लिए कोई टेम्पररी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, हम उसके लिए गैप्स डाइट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी हीलिंग हो और ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आपके सिम्टम्स खत्म हो। बट फॉर द टाइमिंग, जब आपके बहुत सीवियरिटी अगर है तो ऑब्वियसली आपकी एंटी एंजाइटी सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समबडी हैज एलर्जी टू मिल्क एज पर लैब टेस्ट, हाउ कैन गैप्स डाइट बी अप्रोच्ड? ओके, अगेन अगर आपकी, ठीक है, देखिए, अगर तो जो आपकी डेयरी एलर्जी होती है, या तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है या फिर आपकी वो कैसीन एलर्जी होती है। सो अगेन, अगर आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो फर्मेंटेड डेयरी में लैक्टोज तो सारी डाइजेस्ट ख़त्म हो चुकी, और अगर आपकी कैसीन इंटॉलरेंस भी है तो उसमें भी प्री डाइजेस्ट हो गई कैसीन, ठीक है, तो फिर आपको जो भी डेयरी आप यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली वो तो आपको नुकसान नहीं दे रही, ठीक, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफ वी हैव टू यूज द एंटीबायोटिक? ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। आपका लेट्स से कि अगर आपको कोई माइल्ड चेस्ट इन्फेक्शन है, कोई ईयर इन्फेक्शन है, तो उसकी भी काफ़ी सारी होम रेमेडीज हैं आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑयल्स हैं, कुछ टीज हैं, हर्बल टीज हैं, हनी है, वार्म वाटर है, अगर तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आपको किसी इन्फेक्शन में फीवर 100 से ज़्यादा नहीं जा रहा तो आप वो होम रेमेडीज अपनी कंटिन्यू रखें और उस फेज को गुजरने दें। पर इफ़ यू हैव मोर देन 100 फीवर तो फिर आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता करें, आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लें अगर सिवियर इन्फेक्शन हैं तो। पर जैसे जैसे आप इस पे आगे जाते जाएंगे तो आपके इन्फेक्शन और एंटीबायोटिक की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी कांट डू इट कंप्लीटली मींस कैन वी डू चीट्स लाइक वी कैन गिव ग्रेन्स वंस अ वीक, इज इट बेनिफिशियल? या आई वुड नॉट माइंड दैट, एंड इवन इन माई प्रेजेंटेशन आई सेड, डॉक्टर नताशा ऑल्सो सेड दैट यू कैन डू इट। ऑब्वियसली इससे आपका थोड़ी सी प्रोग्रेस हो सकता है, स्लो हो जाए, बट मुझे लगता है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। रादर कि आप ये सोच के कि हम ये चीज़ कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है,
तो मेरा ख्याल है कि आप इसको कर लें, स्टार्ट कर लें, आप जिस हद तक जितना कर सकते हैं आप कर लें। वीकेंड्स हो जाता है, कोई बाहर जाना है, तो अपने आप को इनिशियली इतना रिलैक्स रखें कि अगर आपको चीट करनी पड़ सकती है तो इट्स फाइन, एटलीस्ट आई वुड गो विद दैट। हाउ ऑफन कैन वी यूज कोकोनट मिल्क? Is it good for us kids? Yes, you can use coconut milk, you can use almond milk in the tea. That's fine. Okay. If there's a natural entry stress herb or a drink that can be given regularly, is there any natural anti-stress herb? Okay, there are anti-stress herbal supplements. And obviously for drinks, chamomile tea, there are a lot more teas. But for the regarding anti-anxiety supplements, I would not suggest names here right now because I don't want ke hamari kisi FB live mein supplements ka naam sunne ke baad koi 20-25 log apni marzi se koi supplement use kar rahe hain iske baad. Absolutely. I know it's a very common thing. I know. Acha, ye next question hai, which probiotic is best for our kids, natural or supplements? नेचुरल प्रोबायोटिक इज़ बेस्ट थिंग, पर अगर आपकी सिम्टम्स बहुत सिवियर हैं तो आपको सप्लीमेंट भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि इनिशियली तो आपकी गट इस स्टेज में है ही नहीं कि वो उसका उसका तो उसके पास तो गुड फ्लोरा है ही नहीं, जब गुड बैक्टीरिया मौजूद ही नहीं है तो आपको सप्लीमेंट फॉर्म में लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑब्वियसली अगर बिल्कुल गुड बैक्टीरिया नहीं है तो आपके सिम्टम्स भी सिवियर होंगे ना, पर अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, जीआई प्रॉब्लम्स नहीं है और आपके माइल्ड इश्यूज हैं तो फिर आप रिलाई करें टोटली अपनी डाइट के ऊपर। और विच प्रोबायोटिक, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोबायोटिक विद डिफरेंट स्ट्रेन्स। अ गुड प्रोबायोटिक इज दैट जिसमें आपके डिफरेंट स्ट्रेन्स मौजूद हों, ठीक है, और आप एक अच्छी ब्रांड की यूज़ कर रहे हों, टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरमेंट में उसको रखें, एंड देन उसको आप रूटीन में लें, अपनी डोज आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आप लें, ठीक है। अच्छा डॉक्टर सर, यहाँ पे मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कि क्या गैप्स डाइट के दौरान कैमल मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो उसको भी क्या फॉर्मेट करना होगा, केफीर, कैमल मिल्क केफीर बना लिया जाए या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है। ये क्वेश्चन हमारा भी काफ़ी ज़्यादा था हमारे कोर्स के दौरान भी, तो कैमल मिल्क के लिए भी यही बात थी कि जिन रीजन्स में कैमल मिल्क मिलता है तो उसको भी फर्मेंट करके यूज़ कर लिया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। आई गेस हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका आपने सेशन के दौरान ही आंसर दे दिए, तो अगर किसी से मिस आउट कर दिया हो तो एफपी लाइव दोबारा देख सकते हैं एआरजीपी पे। और वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सना, इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर पेरेंट्स के बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले होंगे, सिर्फ गैप्स डाइट को लेके नहीं, ओवरऑल एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहिए, एंटीबायोटिक्स का जो रोल है या किस तरीके से अगर बच्चा बीमार है तो आपने वैक्सीन को किस तरीके से डिले करना है। आई होप के इंशाल्लाह फ्यूचर में फिर हम आपको बुलाएंगे किसी और सेशन के लिए। बाकी सब अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है डॉक्टर सना का तो यू कैन टैग हर इन द ग्रुप, वो आपको आंसर कर देंगी, और आप इनसे कॉन्टेक्ट करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू फॉलो दिस डाइट प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टेक केयर।